So we are live now. Yes. जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आप सबको और हमारे वर्दी स्पीकर्स को। हमारा आज हम लोग जो डे वन है काउंसलिंग प्रोग्राम का फॉर द प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, हम उसका एक बिगिनिंग कर रहे हैं और हमारे साथ हमारे वर्दी स्पीकर्स भी मौजूद हैं। सबसे पहले हम उनको वेलकम करते हैं। मोहम्मद कासिम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, वेलकम। और हमारे साथ गल्फ से हैं मोहम्मद उस्मान भाई, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला गाइडेंस के लिए। तो थैंक यू वेरी मच। सो सबसे पहले हम लोग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मैं मोहम्मद कासिम भाई की इंट्रोडक्शन के साथ उनकी ज़्यादा चाहूँगा। इंजीनियर कासिम मिर्ज़ा, ही हैज़ जॉइन MSM इन 2006 और बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशंस पर भी अपॉइंटेड रहे हैं MSM पाकिस्तान के, जिनमें से वन ऑफ द डेजिग्नेशन वाज प्रेसिडेंट ऑफ MSM इस्लामाबाद एंड आल्सो द यूनिवर्सिटीज कोऑर्डिनेटर एंड डिप्टी जनरल सेक्रेटरी MSM पाकिस्तान। नाउ he is basically studying PhD from University of New South Wales, Australia. Or throughout he has been a tremendous student or throughout scholarship pe rahe hain. He is also the gold medalist of NUST Islamabad in MSc Master Structural Engineering. So sir, thank you so much for your time again. And you may start. You start karein? Ji ji bilkul start karein. अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे दला भाई ने कहा था कि जो हमारे प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उनकी गाइडेंस के लिए हम एक प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं, ताकि वो जो जब वो एडमिशन लेते हैं यूनिवर्सिटी में और उन्होंने एक प्रायोरिटी लिस्ट अपनी सेलेक्ट करनी होती है वाइल सेलेक्टिंग देयर पर्टिकुलर फील्ड, तो उस लिहाज से उनको आसानी हो सके और एक बेसिक उनको नॉलेज हो कि फील्ड में सेलेक्ट कर रहा हूँ बेसिकली उस फील्ड है क्या। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ये आइडिया नहीं होता कि उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेलेक्ट की है या सिविल इंजीनियरिंग सेलेक्ट की है या मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेलेक्ट की है, तो इसका स्कोप क्या है बेसिकली। और स्कोप के अलावा उनको ये भी नहीं पता होता कि सिविल इंजीनियरिंग एक उसके अंदर होता क्या है। बिलीव मी, जब मैंने BSc में एडमिशन लिया था तो मेरा तो चूंकि सिविल इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड था घर से ही, वालिद साहब और फिर मेरे ग्रैंडफादर, वो दोनों सिविल इंजीनियर थे, लेकिन मेरे साथ स्टूडेंट्स थे उनको ये तो नहीं पता था पहली क्लास में कि ये सिविल इंजीनियरिंग होती क्या है। तो ऐसा भी होता है कि आप एडमिशन लेने जाते हैं, नंबर्स आपके बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन आपने प्रायोरिटी लिस्ट सेलेक्ट की होती है एक, उस लिहाज से आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है। तो होता क्या है, आप के अंदर कैलिबर था या आप पसंद करते थे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाना, ठीक है, लेकिन आपने प्रायोरिटी लिस्ट में जो है जब नाम डाला आपने सिविल का, ठीक है, ऊपर सेकंड में आपने सिविल लिख दिया, आपने इलेक्ट्रिकल का देखा जी इलेक्ट्रिकल का मेरिट ऊपर है तो लाइक लोग यहाँ पे ज्यादा जाते हैं, यहाँ का स्कोप ज्यादा हो सकता है, सेकंड में आपने सिविल का डाल दिया, आपके जो इंटरेस्ट थे वो मैकेनिकल से ज्यादा मिलते थे, लेकिन आपने चूंकि प्रायोरिटी लिस्ट में आपने नाम डाला सिविल का सेकेंड पे, तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया सिविल में, तो आप वहाँ पे अगर सेकेंड पे आप मैकेनिकल डालते और मैकेनिकल में जाते तो आप ज्यादा एक्सेल कर सकते अपनी फील्ड में क्योंकि आपके इंटरेस्ट उस तरह के थे। तो बेसिकली आज हमारा जो मकसद है आपके सामने सारी प्रेजेंटेशन का, वो ये है कि आपको आसानी हो सके और आपको अच्छी वेल नो नॉन वेल आपको अच्छा अंदाजा हो सके कि आप ने जो फील्ड सेलेक्ट की है उसके अंदर आगे बढ़ने के क्या चांसेस हैं आपके लिए। तो शुरू करते हैं जी, एक छोटी सी प्रेजेंटेशन मैंने तैयार की है तमाम दोस्तों के लिए। ये आप अपने आप को एक इंजीनियर के तौर पे कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो आप इंजीनियर बनना क्यों चाहते हैं, ठीक है, आप कुछ इनोवेट करना चाहते हैं, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम उसका कोई सलूशन देना चाहते हैं सोसाइटी को अपनी क्रिएटिव सलाहियतों से। सेकंड, आप
ऑब्वियसली बात है कि हम जब ग्रेजुएट होते हैं हम देखते हैं कि कौन सी कंपनी हमें ज़्यादा जॉब कहते हैं सैलरी ऑफर कर रही है, तो मनी इज़ अ फैक्टर। देन जॉब सिक्योरिटी, इंजीनियर्स जो होते हैं जब वो ग्रेजुएट करते हैं तो एज़ कम्पेयर टू अदर फील्ड्स उनकी स्टार्टिंग सैलरीज थोड़ी ज़्यादा होती हैं, और साथ ही जॉब सिक्योरिटी के इनकी डिमांड इंजीनियर्स की ज़्यादा होती है, इसलिए जॉब सिक्योरिटी भी एज़ कम्पेयर टू अदर फील्ड्स ज़्यादा होती है। उसके अलावा आप जब एक इंजीनियरिंग एटमॉस्फेयर में काम करते हैं तो आप एक टीम वर्क टीम के साथ एक काम कर रहे होते हैं, तो आपको एक मौका मिलता है कि टैलेंटेड पीपल लोगों के साथ जो है वो इंटरेक्शन करने का। और उसके अलावा आप एज ए इंजीनियर एक आपके पास डाइवर्स एक्सपीरियंस आ जाता है, आप सिर्फ एक खास पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेट होके नहीं रहते। मसलन कि आप जब एक इंजीनियर के तौर पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करते हैं तो हर प्रोजेक्ट पुराने प्रोजेक्ट से डिफरेंट होता है और आपके पास एक डाइवर्स किस्म का एक्सपीरियंस आता है। लाइक माई सेल्फ, मैं कभी ब्रिजेस में भी काम करता हूँ, कभी मैं एज बिल्डिंग्स में भी काम कर रहा होता हूँ स्ट्रक्चर इंजीनियर, तो ब्रिजेस का भी है एक्सपीरियंस, फिर बिल्डिंग्स का एक्सपीरियंस होता है, फिर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स होती हैं उनका डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, कमर्शियल बिल्डिंग्स होती हैं उनका डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। तो एक डाइवर्स किस्म का जो है वो एक एक्सपीरियंस आपको मिलता है। लेकिन इंजीनियर बनने के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले तो है एक डिग्री, आपने एक बैचलर्स की आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए। और किस किस्म की डिग्रीज होती हैं इंजीनियरिंग की? बेसिकली तो हमारे पास 16 टाइप्स हैं जिसमें फिर आगे फर्दर डिसिप्लिन आते हैं और मोर देन 100 डिसिप्लिन ये बन जाते हैं इंजीनियरिंग के। अगर हम उन 16 ब्रांचेस को देखें तो हमारे पास है इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल है, टेलीकम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर सिस्टम्स, और फिर एरोस्पेस, फिर बायोमेडिकल है, केमिकल है, एनवायरमेंटल है, इंडस्ट्रियल मटेरियल्स, मरीन, एग्रीकल्चर, माइनिंग, जियोलॉजिकल एंड देन पेट्रोलियम एट द एंड। तो सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को देख लेते हैं, ये रिलेटेड है मसलन आप लाइटिंग और वायरिंग बिल्डिंग्स में जो हम लोग काम करते हैं ये सारा काम जो है ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स करते हैं। उसके अलावा फिर रडार और नेविगेशन सिस्टम्स को डिवेलप करना, एयरक्राफ्ट में जितनी इलेक्ट्रिकल का काम होता है सारा ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स करते हैं, ऑटोमोबाइल्स के अंदर और इस तरह इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के अंदर मजीद आप चले जाएं, मशीनरी कंट्रोल्स के अंदर चले जाएं, इलेक्ट्रिकल मोटर्स जो डिवेलप करते हैं ये सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स करते हैं। जो यूनिवर्सिटीज इस टाइम पाकिस्तान में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करवा रही हैं कुछ के नाम मैंने आपको दे दिए हैं यहाँ पे, लेकिन सिर्फ ये नहीं है, टोटल अराउंड 129 यूनिवर्सिटीज पूरे पाकिस्तान में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कोर्स ऑफर कर रही हैं। तो उसकी लिस्ट मैं आपको बताऊंगा आखिर में आप कहाँ से ढूंढ सकते हैं कि आपको सारी लिस्ट मिल जाए। इसका जो स्कोप है वो डिपेंड करता है एनर्जी क्राइसिस के ऊपर कि आपका एनर्जी क्राइसिस कैसा जा रहा है इस टाइम। हमारे मुल्क में तो एनर्जी क्राइसिस पीक पर है इस टाइम, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की डिमांड काफ़ी है। और इसके अलावा जो इनकी एक्सपेक्टेड जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो अराउंड 30,000 to 40,000 पर मंथ होती है, और अगर आपने एक्सपीरियंस गेन कर लिया है थोड़ा सा 5 to 7 years तो ये 90 to $110,000 तक पाकिस्तान रुपीज तक पर मंथ जा सकती है। देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, हमारे पास इस फील्ड में आप जो इंजीनियर्स होते हैं वो बेसिकली आप स्टीम एंड गैस मशीन और इंजन्स के ऊपर काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स और टर्बाइंस जो होती हैं इनके इनको इनकी डेवलपमेंट पे काम करते हैं। और जो मेरी फील्ड्स है स्ट्रक्चर इंजीनियर, तो मेरे साथ काफ़ी मैकेनिकल इंजीनियर्स भी प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, और जिनका मेन काम होता है एलिवेटर्स एस्केलेटर्स के ऊपर, और उसके अलावा एचवैक होता है हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग, इससे रिलेटेड सारा काम जो होता है बिल्डिंग्स के अंदर
वो मैकेनिकल इंजीनियर्स करते हैं, उस सिस्टम को पूरा डेवलप करना, उस सिस्टम को एनालाइज करना। तो जो यूनिवर्सिटीज इस टाइम मैकेनिकल इंजीनियरिंग पाकिस्तान में करवा रही हैं उनके नाम मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं। ये मेन ये वो हैं जो अराउंड टॉप 10 में आती हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, जितनी भी यूईटीज हैं, नस्ट है, प्यास है, गुलाम इज़ा खान है, एनईडी है, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी है इस्लामाबाद में, एयर यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ वॉक। ये जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है ये सबसे स्टेबल फील्ड है इंजीनियरिंग की। आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग, ये तीन इंजीनियरिंग की फील्ड्स हैं जो हमेशा पीक पर रहती हैं तीनों, जिनकी डिमांड। लेकिन इन सब में जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है वो सबसे स्टेबल है तीनों में, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है वो डिपेंड करता है आपका एनर्जी क्राइसिस कैसा है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान में आने 10 सालों में ये एनर्जी क्राइसिस ज़्यादा ना हो और कम हो एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान में, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की डिमांड इतनी ज़्यादा ना हो जितनी आ जाए। और फिर अगर लेट्स सपोज के गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज होती हैं तो, और वो इस तरह की नहीं होती कि जो कंस्ट्रक्शन की फील्ड को फैसिलिटेट करें, तो सिविल इंजीनियर्स की डिमांड कम हो जाती है। मसलन मैं खुद इस चीज़ का शिकार हो चुका हूँ कि एक वक्त था कि हमें हमारी कंपनी को डाउनसाइजिंग करनी पड़ी थी और 66,000 लोगों को वहाँ से निकालना पड़ा था हमको, तो उस सिचुएशन में हम भी अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हुए थे। तो सिविल इंजीनियरिंग भी इतनी स्टेबल नहीं है जितनी के मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, क्योंकि इस पे ना तो एनर्जी क्राइसिस का फैक्टर आता है, ना ही जो है आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज का फैक्टर आता है कि आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसी हैं। उसके अलावा सिविल इंजीनियर, फिर सिविल इंजीनियरिंग में होता क्या है भाई, बिल्डिंग्स बनाते हैं, एयरपोर्ट्स, टनल्स, डैम, ब्रिजेस, एवरी स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्क्रीट यू सी, तो ये सारे सिविल इंजीनियर्स डिवेलप करते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में आगे फर्दर चार मेन ब्रांचेस हैं। आप कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में जा सकते हैं, आप स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, आप जियो टेक्निकल में जा सकते हैं जो रिलेटेड है सारी सॉइल मैकेनिक्स के साथ, आप फर्दर फिर ट्रांसपोर्टेशन में जा सकते हैं और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में भी जा सकते हैं। जो यूनिवर्सिटीज इस टाइम पाकिस्तान में सिविल इंजीनियरिंग करवा रही हैं, यूटीज है, नस्ट है, यूटी टेक्सला है, और बाकी कॉमसेट्स है, फास्ट है, इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में जो है, और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर और कस्ट। इस वक्त पाकिस्तान में सिविल इंजीनियरिंग का काफ़ी स्कोप है, अच्छा है स्कोप, काफ़ी डिमांड है, और जैसे जैसे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और टाउन स्कीम्स बढ़ती जाएंगी ऑब्वियसली फिर सिविल इंजीनियर्स की डिमांड भी बढ़ती जाएगी। जो इस टाइम स्टार्टिंग सैलरीज है वो अराउंड 25,000 to 30,000 है, और अगर आप 5 to 7 ईयर्स एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं तो 110,000 to 180,000 रुपीस आप पर मंथ कमा सकते हैं। कासिम भाई एक्सक्यूज मी, ये आप प्रेजेंटेशन अगर है आपकी तो आप वो स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। अभी मैं स्क्रीन भी शेयर कर रहा हूँ, ये आई डोंट नो, ये कोई नहीं कर लें। आपको नहीं आ रही स्क्रीन? तो मैं यहाँ से हो रही है आपकी वहां से हो रही? सॉरी एक्चुअली, हाँ जी अब आप देख सकते हैं। हाँ जी अब आ गया, ठीक, सॉरी अच्छा ये प्रेजेंटेशन मैं फिर आपको दे दूंगा, आप अपलोड भी कर सकते हैं अपने वेबसाइट पे और पेज पे भी, ठीक है, स्टूडेंट्स हैं उनको एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हर फील्ड मैं मसलन आपको थोड़ी सी दोबारा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जैसा मैंने आपको बताया था अराउंड 30 to 40,000 स्टार्टिंग सैलरी है, और अगर आप 5 to 7 ईयर्स एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं तो 90,000 है। इस तरह ही मैकेनिकल इंजीनियर्स भी हैं, उनकी सैलरी भी अराउंड 30 to 40,000 रुपीस पर मंथ है, और अगर आप इस तरह एक्सपीरियंस बढ़ाते जाएंगे तो आपकी सैलरीज भी बढ़ती जाएंगी। सिमिलरली फिर सिविल इंजीनियर्स का शोबा आता है, उसमें फिर आपके पास 25,000 to
30,000 सैलरी है, और जिस तरह आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा उस तरह आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। देन इलेक्ट्रॉनिक और टेलीकॉम इंजीनियरिंग है, इसमें होता क्या है बेसिकली, आप देखते हैं आप जब जाते हैं गाड़ी में सफ़र करते हैं और मोबाइल में आप किसी लोकेशन को आप ट्रैक करते हैं, आप जाते हैं और नेविगेशन हो रही होती है आपकी सारी और गूगल मैप आपको बता रहा होता है कि इस टाइम आप कहाँ पे हैं, तो वो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है वो सारा डिवेलप करते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स। फिर आपका इवन म्यूजिक प्लेयर है ये इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर डिवेलप करते हैं। और इसी तरह कम्युनिकेशंस के काफ़ी सिस्टम्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर डेवलप करते हैं। थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाती है टेलीकॉम इंजीनियरिंग, बेसिकली होती है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की ही ब्रांच है, लेकिन ये थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाती है कम्युनिकेशन से रिलेटेड, सिग्नल प्रोसेसिंग और इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड, तो इसलिए इसका थोड़ा सा डिफरेंट नाम दिया गया है टेलीकॉम इंजीनियरिंग, क्योंकि ये काफ़ी स्पेशलाइज फील्ड है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की। जो यूनिवर्सिटीज इस टाइम पाकिस्तान में करवा रही हैं ये इंजीनियरिंग, उनमें है प्यास, नस्ट, सॉरी यूटी लाहौर, सॉरी, और इसका स्कोप भी काफ़ी अच्छा है पाकिस्तान में, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री ऐसा ऐसा ग्रो कर रही है पाकिस्तान में और काफ़ी डिमांड है इस टाइम इसकी। लेकिन जो टेलीकॉम इंजीनियरिंग है इसमें चूँकि जिस फील्ड में भी आहिस्ता आहिस्ता सैचुरेशन आती है वो फील्ड आहिस्ता आहिस्ता बैठ जाती है। इसी तरह टेलीकॉम के साथ भी हुआ है कि पिछले काफ़ी अरसे में हर यूनिवर्सिटी ने ये प्रोग्राम ऑफर करना शुरू कर दिया और उसके बाद फिर ये आहिस्ता आहिस्ता फील्ड बैठ गई, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स ज़्यादा बढ़ हो गए और जॉब आपके पास कम है, तो इस वजह से काफ़ी सैचुरेशन आ जाती है। जिस तरह आपको याद होगा कि 90s में शायद अर्ली 2000 में एक दौर था आईटी का, और हर बंदा जो है ना वो कंप्यूटर साइंस की तरफ जो है वो भाग रहा था। इवन एफएससी में भी लोग आईसीटी की तरफ जाते थे, तो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ सैचुरेशन आ गई। फिर उसके बाद दौर आया एमबीए का, बिजनेस की तरफ, बीबीए, एमबीए, हर यूनिवर्सिटी ने एमबीए करवाना शुरू कर दिया। अब आजकल एमबीए की लाइन लगी हुई है, वो इतनी ज़्यादा सैचुरेशन कर दी उन्होंने, तो जिस फील्ड में भी यूनिवर्सिटीज बहुत ज़्यादा, हर यूनिवर्सिटी जब ऑफर करना शुरू करती है तो वो फिर उस फील्ड का बेड़ा गर्क करना शुरू हो जाता है। वो नहीं देखते कि हम जितने ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उतनी आगे मार्केट में डिमांड है कि नहीं है। तो इस तरह फिर आगे है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, उसमें दो टाइप्स हैं, एक हार्डवेयर की है और एक सॉफ्टवेयर की है। हार्डवेयर में बेसिकली इंजीनियर्स कंप्यूटर चिप्स डेवलप करते हैं, सर्किट बोर्ड डेवलप करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम्स डेवलप करते हैं, जितने भी आप हार्डवेयर देखते हैं बेसिकली वो एक अलग फील्ड है। जो यूनिवर्सिटीज़ कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियरिंग करवा रही हैं वो हैं नस्ट, कॉमसेट, बैरिया, गुलाम शाह खान। अच्छा, इसका सॉरी दो मिनट मुझे ब्रेक देंगे आप तला? जी बिल्कुल, एग्जैक्टली जी। मैं ये बता दूं, हमारे कुछ क्वेश्चंस रिसीव हो रहे हैं नीचे हमारे चैनल पे, यूट्यूब पे, तो जितने भी स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं वो उसको राइट डाउन कर लें सेपरेट, तो आफ्टर द प्रेजेंटेशन जब कासिम भाई अपना सेशन पूरा कर लें तो फिर हम जो है उनको क्वेश्चन आंसर्स को एंटरटेन कर लेंगे इंशाल्लाह। एक शॉर्ट सा Q&A सेशन रख लेंगे आफ्टर एवरी स्पीकर, तो आप लोग वो राइट डाउन कर लें अभी जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, कंफ्यूजन्स हैं, वो इंशाल्लाह आफ्टर द प्रेजेंटेशन हम लोग उनको एंटरटेन कर लेंगे। सॉरी मेरा गलत ड्राइव था, मेरी काफी तबीयत खराब थी, तो मैं क्योंकि वादा किया था आपके साथ तो जी भी मैंने कहीं स्किप नहीं कर सकता प्रेजेंटेशन, तो सॉरी। अच्छा, तो इस तरह है कि क्योंकि हमारे पास इस टाइम पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं है कंप्यूटर की, तो हार्डवेयर इंजीनियर्स का इतना ज़्यादा अच्छा स्कोप नहीं है। लेकिन ये नहीं होता कि हार्डवेयर इंजीनियरिंग आपने की हो और आप सेट नहीं हो सकते। मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, हार्डवेयर इंजीनियरिंग की, और काफ़ी अच्छी पोजीशन में हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। तो आप अगर इसमें भी आपको एडमिशन मिलता है तो घबराने की बात नहीं है, इसमें भी आप स्कोप डिवेलप कर सकते हैं अपना, लेकिन इतना ज़्यादा डिमांड नहीं है।
उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, ये बहुत डिमांडिंग है. जो भी आपकी इस टाइम प्रोग्रेस है कंप्यूटर की हम देखते हैं, वो सारी मोस्टली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की वजह से हुई है जितनी भी ज़्यादातर रिसर्च. तो इस टाइम जो पाकिस्तान में इनकी स्टार्टिंग सैलरी है वो 25,000 पर मंथ है, और अगर एक्सपीरियंस गेन करते जाएंगे तो 180,000 तक जाती है. उसके अलावा एरोस्पेस इंजीनियरिंग है. तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग जो है बेसिकली जो आप के एयरक्राफ्ट्स हैं, आपकी सैटेलाइट्स हैं, उनकी सारी मैन्युफैक्चरिंग, सारी डिज़ाइन ये हमारे एरोस्पेस इंजीनियर्स करते हैं. आपके मिसाइल्स हो गए, तो सारे एरोस्पेस इंजीनियर जो है वो डेवलप करते हैं. पाकिस्तान में इसकी डिमांड अच्छी है एज़ कम्पेयर टू अदर फील्ड्स. उसकी वजह ये है कि अभी सिर्फ हमारे पास इसमें पाकिस्तान में 3 यूनिवर्सिटी है जो ये प्रोग्राम करवा रही हैं, ऑफर करती हैं. इसमें को आपकी इंटरेस्ट की बात होती है बेसिकली. अब मेरा एक दोस्त है, उसने आईएसटी में एडमिशन लिया. जब हम सब मैकेनिकल में, सिविल में, इलेक्ट्रिकल में ले रहे थे, तो हमने उसको, उसने पूछा, मेरे को आइडिया नहीं था एरोस्पेस का, हमने कहा ये तुमने क्या भाई इंजीनियरिंग ले लिया. आज वो नॉर्वे की टॉप यूनिवर्सिटी से अभी पीएचडी करके वो निकला है इसी फील्ड के अंदर. तो आपने ये अपना स्कोप फिर खुद डिवेलप करना होता है एक मरतबा. ये आप बेसिकली आपके इंटरेस्ट की बात है कि आप इंटरेस्ट आपका कहाँ पे है. अगर आप एयरक्राफ्ट डिज़ाइन करना चाहते हैं, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, तो ये फील्ड आपके लिए बहुत अच्छी है. और इसका आगे इन फ्यूचर आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में भी डिमांड बढ़ेगी. उसके अलावा फिर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है. जितने भी ये आपके आर्टिफिशियल ऑर्गन्स होते हैं, और उसके अलावा इंस्ट्रूमेंट जो साउंड के, आप अक्सर लोगों को मसला होता है तो साउंड के जो इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप करते हैं, और मेडिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम सारे डेवलप करना, ये इवन एमआरआई सिस्टम जो डेवलप करते हैं ये हमारे बायोमेडिकल इंजीनियर्स करते हैं. जो यूनिवर्सिटीज इस टाइम करवा रही पाकिस्तान में, उनमें एनईडी, नस्ट है, हमदर्द है. इस टाइम पाकिस्तान में इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है. लेकिन जैसे जैसे पाकिस्तान मेडिकल लैब्स खुलती जाएंगी ज़्यादा ज़्यादा, उतनी डिमांड की बढ़ती जाएगी. मसलन जिस तरह COVID-19 आ गई का हमारे पास सिचुएशन आ गई है, तो इसमें अब लैब्स आहिस्ता आहिस्ता और पाकिस्तान में खुल रही हैं, तो वहाँ पे आपके बायोमेडिकल इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपके MRI सिस्टम्स होते हैं, आपके और डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं जिनको इन इंजीनियर ने देखना होता है. उसके अलावा फिर आपके पास केमिकल इंजीनियरिंग है. इसकी इसमें जो आपकी मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग होती है, सॉरी जो फूड, क्लोथिंग, पेपर, सब की मैन्युफैक्चरिंग में केमिकल इंजीनियर्स का रोल होता है. और जो इसका है स्कोप, इसमें इस टाइम पाकिस्तान में इसका स्कोप ज़रा लिमिटेड है. और लेकिन अभी अगर आप एक मतलब केमिकल इंजीनियरिंग की इंडस्ट्री में एक मतलब आप कोई जॉब सिक्योर कर लें, तो अच्छा आपको सैलरी पैकेज मिल जाता है. अराउंड 25,000 की इसकी भी स्टार्टिंग सैलरी है इस फील्ड की. उसके बाद एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है. इसमें जो आपका वो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जो आपका गंदा पानी का उसको कैसे आपने मैनेज करना है, उसके अलावा जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, स्मोक हो गई आपकी, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सके, और रिसाइकलिंग प्रोसेसेस कैसे डेवलप किए जा सकते हैं. और फिर उसके बाद जो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम होता है एक, वो कैसे डेवलप किया जाए, और ये क्वालिटी कंट्रोल बेसिकली डेवलप करना
ये इन्वायरमेंटल इंजीनियर का काम होता है। और पाकिस्तान में इस टाइम इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन थ्रू आउट द वर्ल्ड इसकी अराउंड 8% तक जो है ना वो आने वाले दिनों में भी 8% इसकी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि पूरी दुनिया इस टाइम ग्लोबल वार्मिंग का शिकार है, आपको पता है। और पूरी दुनिया इस टाइम सोच रही है कि इसको कैसे काबू किया जाए। मसलन रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे पिछले इसी जनवरी के अंदर दिसंबर और जनवरी में यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़ी आग लगी थी, शायद आपने खबरों में भी सुना हो। तो बेसिकली वो यही था, ग्लोबल वार्मिंग का एक नतीजा था कि हर स्टेट जो थी ऑस्ट्रेलिया की वो अफेक्ट हुई थी, और बहुत बड़ी तापे उधर ब्राज़ील में भी और काफ़ी मुल्कों में भी ये आग लगी थी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जहाँ पे जंगलात काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अब आहिस्ता आहिस्ता वर्ल्ड वाइड दुनिया सोच रही है कि हम कैसे इसको काबू पाएं, और इसमें सबसे ज़्यादा रोल होगा इन्वायरमेंटल इंजीनियर्स का। तो पाकिस्तान में भी हमारी जो भी मौजूदा गवर्नमेंट है, इसने भी एक स्टेप लिया था, आपको याद होगा आई थिंक 1 करोड़ या 10 लाख ट्रीज का, आई एम नॉट श्योर, लेकिन उन्होंने भी एक स्टेप लिया है कि इसको इन्वायरमेंटल क्राइसिस को कैसे ख़त्म किया जाए। तो एक, 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 आप कह रहे हैं डायमेंशन नज़र तो आती है, लेकिन बहुत सी मसले मसाइल हर हुकूमत को सहने पड़ते हैं, तो शायद इनको भी सहने पड़ रहे हों। हम पुरमीद होकर ये सोचते हैं कि भाई इस गवर्नमेंट की भी एक अच्छी नीयत है कि वो इन्वायरमेंटल क्राइसिस के ऊपर सोच रही है, तो बाकी गवर्नमेंट्स की तरह, बाकी ममालिक गवर्नमेंट्स की तरह। तो उम्मीद है कि ये फील्ड आगे ग्रो करेगी, और नस्ट में मैंने खुद इसको ऑब्जर्व किया था, तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें एनरोल होने की ख्वाहिश रखते हैं, और उसके अलावा एक काफ़ी अच्छे लेवल की नस्ट के अंदर इस फील्ड के अंदर रिसर्च हो रही है, जो आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड लेवल की रिसर्च मानी जा सकती है, क्योंकि वहाँ के जो नस्ट के स्टूडेंट्स पढ़े होते हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में, उनको बहुत जल्दी बाहर या तो जॉब मिल जाती हैं या उनको फर्दर पीएचडी करने के मौके मिल जाते हैं। तो ये शो करती है कि एक वर्ल्ड लेवल क्लास की रिसर्च इस इदारे में हो रही है इस शोबे में। उसके बाद है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। ये बेसिकली मैनेजमेंट है, और इसमें मैथमेटिकल मॉडल्स यूज़ करके आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, अपने ह्यूमन रिसोर्स को कैसे आपने यूज़ करना है, और आपने अपनी मशीन को कैसे यूज़ करना है कि आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करें। उसके लिए हमारे पास मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं। बेसिकली ये इंजीनियर्स वो मॉडल्स यूज़ करते हैं अपने पूरी आप कह लें रिसोर्सेज को, जिसमें आपके रिसोर्सेज में आपका आपकी फैक्ट्री के रिसोर्सेज होते हैं, आपके ह्यूमन रिसोर्स हो गए, और फर्दर आपने ट्रांसपोर्टेशन करनी है तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन के जो रिसोर्सेज होते हैं, तो आप कैसे उन सबको मैनेज करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकें अपनी कंपनी के लिए। तो इनकी एक अच्छी डिमांड है पाकिस्तान में, और ये काफ़ी अच्छी पोजीशंस के ऊपर ये लोग बैठते हैं, यानी एग्जेक्टिव पोजीशंस के ऊपर। और इसमें बेसिकली जो मैथमेटिकल मॉडल जो हमारे हैं पी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, वो इतने आराम से नहीं समझेंगे, यानी कि इतना उनको क्लैरिटी नहीं होगी मैथमेटिकल मॉडल्स क्या होते हैं जिनके मुताबिक इनको डील करते हैं। सिंपल आपको मैं इस तरह समझा सकता हूँ कि ये एक प्लान होता है कि भाई मसलन आपने कोई काम किया, आपने मसलन कोई भी एक्टिविटी करनी है, तो उसके पैरेलल कुछ एक्टिविटीज चल रही हों। मसलन आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, और आपने कोई कैलकुलेशन कंप्यूटर में आपने कैलकुलेशंस की, और उसके बाद पैरेलल में आप कोई और दो तीन एक्टिविटीज़ कर रहे हो,
कि कंप्यूटर वो मेरे लिए कैलकुलेशंस करता जा रहा है, घंटे दो घंटे के बाद वो कैलकुलेशंस मुझे करके दे देगा, लेकिन पैरेलल में मैं दो तीन और एक्टिविटीज जनरेट कर लूँ। तो आपने अपने टाइम को कंज्यूम, टाइम को बचा लिया कि आप पहले एक एक्टिविटी खत्म करेंगे, फिर दूसरी एक्टिविटी खत्म करेंगे, फिर तीसरी एक्टिविटी खत्म करेंगे। वो क्या होता है, वो तीनों एक्टिविटीज एट अ टाइम चल रही होती हैं और आप इस तरह अपने टाइम को बचा लेते हैं और उसको कहीं और कहते हैं आप कंज्यूम कर लेते हैं। तो बेसिकली वो मैथमेटिकल मॉडल जो होते हैं वो आपको गाइड करते हैं कि आप अपनी एक्टिविटीज को किस तरीके से मैनेज करें ताकि अपने टाइम को अपने टाइम को आप सेव कर सकें और अपने उस टाइम को कहीं और आप यूटिलाइज कर सकें। तो बेसिकली ये इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स का काम होता है। तो काफ़ी अच्छी डिमांड है क्योंकि हर इंडस्ट्री को इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स चाहिए और हमारे पाकिस्तान में काफ़ी फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे आप अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। तो उसके बाद मटेरियल्स इंजीनियरिंग है, हमारे जो उस्मान भाई हैं वो मजीद इसके ऊपर बता सकते हैं कि वो खुद मटेरियल इंजीनियर हैं। तो मटेरियल इंजीनियर्स जो हैं ये बेसिकली मटेरियल्स डिवेलप करते हैं जो बाकी इंजीनियर्स उसको यूज़ करते हैं। मसलन मैं अपनी जो मैं स्ट्रक्चर इंजीनियर स्टील रीइंफोर्समेंट हम यूज़ करते हैं, स्टील बार्स आप कह लेते हैं जिसको हम पाकिस्तान में सरिया होता है जो हमारा आम लैंग्वेज हमारी बोली जाती है उर्दू, उसमें हम सरिया कहते हैं, इंग्लिश में हम इसको स्टील रीइंफोर्समेंट कहते हैं। तो अगर स्टील रीइंफोर्समेंट की जगह मैं प्लास्टिक रीइंफोर्समेंट यूज़ करना चाहता हूँ लेट्स सपोज, तो मैं मटेरियल इंजीनियर को कहूँगा कि भाई मेरी जो रीइंफोर्समेंट है जो मैंने स्टील की जगह प्लास्टिक यूज़ करना है उसकी टेंशन की स्ट्रेंथ इतनी हो, कंप्रेशन इतनी बर्दाश्त कर सकता हो, तो वो मेरे लिए ख़ास मटेरियल डेवलप करेगा। तो बेसिकली मटेरियल इंजीनियर मटेरियल डेवलप करते हैं बाकी इंजीनियर्स के लिए, बाकी फील्ड्स के लिए। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी फील्ड है, अगर आप केमिस्ट्री में आपका काफ़ी इंटरेस्ट है तो बहुत अच्छी फील्ड है, फिज़िक्स में आपका इंटरेस्ट है तो कंप्रेशन, टेंशन और इलास्टिक मॉडुलस, तो उनके ऊपर ग्रिप्स है आपकी, तो फिर आप इस ये इंजीनियरिंग की फील्ड आपके लिए काफ़ी अच्छी है और पाकिस्तान में भी इसका अच्छा स्कोप है। और जो यूनिवर्सिटीज़ इस टाइम पाकिस्तान में ये कोर्स ऑफर करवा रही हैं उसमें प्यास है, नस्ट है, NET, UT टेक्सला है और इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी है और इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। उसके अलावा फिर आती है मरीन इंजीनियरिंग। बेसिकली तो ये नेवी के अपने स्टूडेंट्स को भी करवाते हैं मरीन इंजीनियरिंग, लेकिन PNEC पर सिर्फ पाकिस्तान में एक इदारा है जो मरीन इंजीनियरिंग का कोर्स ऑफर करता है। बेसिकली ये शिप्स के डिज़ाइन से रिलेटेड है कि आपने शिप्स डिज़ाइन करनी हो, शिप्स कंस्ट्रक्ट करनी हो तो उस को आप कैसे एनालाइज कर सकते हैं। इस टाइम तो पाकिस्तान में इसका स्कोप बहुत लिमिटेड है, लेकिन आने वाले दिनों में जब दुनिया का आप कह लें ट्रेडिंग का जो है सारा बर्डन कह लें या आप उसको तो मुझे वर्ड एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन जो डायरेक्शन है वो इस तरफ पाकिस्तान की तरफ आएगी अभी आने दिनों में जब ये CPAC का काम मुकम्मल हो जाएगा और फिर जो है आपकी सारी एक्सपोर्ट ये और ये सारी ट्रेडिंग यहाँ से हो रही होगी, तो उस वक्त इस फील्ड का काम बढ़ जाएगा और काफ़ी ज़्यादा डिमांड होगी मरीन इंजीनियर्स की पाकिस्तान में। और फिर उसके बाद एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है और इसमें बेसिकली आप डेवलप करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए यूज़ होते हों, आप मशीनरी डेवलप करते हैं, आप सेंसर डेवलप करते हैं, ऐसे प्रोसेसेस डेवलप करते हैं जिससे आपकी जिससे आपकी पैदावार जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो बेसिकली ऐसे जो आपकी क्रॉप स्टोरेज है उसको कैसे मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है, तो वो सारा काम जो होता है वो एग्रीकल्चर इंजीनियर्स का होता है।
और इसकी पाकिस्तान में ऑब्वियसली बात है डिमांड बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि पाकिस्तान चाहे जितने भी क्राइसिस सह रहा है, लेकिन पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, ये हमें मानना पड़ेगा। और उसके बाद चूंकि ये एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, इसलिए हमें एग्रीकल्चर इंजीनियर्स की हर वक्त ज़रूरत पड़ेगी। तो इसकी एक बहुत अच्छी डिमांड है पाकिस्तान में, और जो यूनिवर्सिटीज़ ये कोर्स ऑफर करवा रही हैं उनमें है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में, आई थिंक ये फैसलाबाद में है, और ये एरिड यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में है, उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है, फिर माइनिंग एंड जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग है। माइनिंग बेसिकली इस माइनिंग इंजीनियर का जो काम है वो है के एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मिनरल्स, और लाइक कोल, ये और फिर उसके बाद माइंस को डिज़ाइन करना और कंस्ट्रक्ट उनकी सुपरविजन को सॉरी उनकी कंस्ट्रक्शन को सुपरवाइज करना, और जो टनल्स में अंडरग्राउंड ऑपरेशन होता है इसकी सेफ्टी, और इससे रिलेटेड सारा काम जो होता है वो माइनिंग इंजीनियर्स का होता है। और थ्रू आउट जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही होती है मिनरल्स की, तो ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये माइनिंग इंजीनियर्स की होती है। इसका स्कोप अब ये बाकी फील्ड से रिलेटेड अगर कहेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक अच्छा स्कोप है स्पेशली बलूचिस्तान साइड पे, और वर्ल्ड वाइड इसका स्कोप इस तरह है कि अगर कोई बाद में प्लान कर रहा है कि मैं माइनिंग इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लूं, और उसके बाद फिर आगे कहीं बाहर जाना है, कहीं प्रोग्राम है, तो बाहर जाने के लिए ऑस्ट्रेलिया इस टाइम टॉप पर है, क्योंकि यहाँ पे इनको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत लोग चाहिए माइनिंग के, और जिस जिनके लिए ये उनके आने के रास्ते बहुत आसान बना रहे हैं। वीज़ा प्रोसेसिंग माइनिंग इंजीनियरिंग इंजीनियर्स को एक बहुत आप कह लें कि प्रिविलेज दिया जा रहा है इस टाइम ड्यूरिंग देयर वीज़ा प्रोसेसिंग, तो माइनिंग इंजीनियर के लिए एक मौका है आगे आने वाले 10 साल तक, जो लोग अभी यानी एडमिशन ले रहे हैं एफएससी के फॉर्म माइनिंग इंजीनियरिंग, और आगे आगे बाहर आने का सोच रहे हैं, तो उनके लिए माइनिंग इंजीनियरिंग बहुत अच्छी है। उनको इसमें एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में उनकी डिमांड है और बहुत अच्छी सैलरीज हैं। और लेकिन उसमें ये है कि सिर्फ पाकिस्तान में आई थिंक 7 यूनिवर्सिटीज़ में हैं वो ये कोर्स ऑफर करवा रही हैं, आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक सो के सिर्फ 7 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये कोर्स ऑफर करवा रही हैं। उसके बाद है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, और इसमें भी उस्मान भाई का काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो वो हमें काफ़ी अच्छा ज़्यादा गाइड कर सकते हैं। बेसिकली जो आपके जो सारा प्रोसेस है आपकी ऑयल को ज़मीन से निकालने का, वो सारा प्रोसेस डेवलप करना, उसको जियोलॉजिकल इंजीनियर के साथ डिस्कस करना, क्योंकि आपको पता है ज़मीन की कई तहें होती हैं जो बेसिकली जियोलॉजिस्ट देखते हैं, उनके साथ अपने पूरे प्रोग्राम को डिस्कस करना, और उनकी साथ उनसे कंसल्टेशन के साथ पूरे प्रोसेस को डेवलप करना, और किस तरीके से आप ज़मीन में से ऑयल निकालेंगे, इस सारा काम होता है पेट्रोलियम इंजीनियर्स का। लेकिन पाकिस्तान में इसकी जो डिमांड है वो लिमिटेड है। इसमें ये है कि अगर आप सैलरी के हिसाब से इस फील्ड को देखते हैं तो सैलरीज बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि आपकी स्टार्टिंग सैलरी सिर्फ 90,000 पर मंथ से स्टार्ट होती है। लेकिन उसमें यह है कि अगर आप पेट्रोलियम में जाते हैं, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं, तो आप सिर्फ पेट्रोलियम की फील्ड में ही रहेंगे। लेकिन अगर आप मैकेनिकल या सिविल में एडमिशन लेते हैं तो आप पेट्रोलियम की तरफ भी जा सकते हैं। तो कि पेट्रोलियम इंजीनियरिंग एक बहुत स्पेशलाइज फील्ड है, लेकिन उसमें फिर आपके पास काफ़ी
कंपनी आती हैं, पेट्रोलियम कंपनी है, ओगरा है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम है, लाइक आपको उसी में ही कंसिडर करना पड़ेगा। लेकिन एक मैकेनिकल इंजीनियर वो किसी भी फील्ड यानी किसी भी फील्ड के मुताबिक यानी कि वो मैन्युफैक्चरिंग में भी जा सकता है, वो देन पेट्रोलियम के अंदर भी आ सकता है, वो जैसे मैंने आपको बताया हमारे साथ कंसल्टेंसी के अंदर मैकेनिकल इंजीनियर्स थे, इस तरह सिविल इंजीनियर। मैं अपने काफ़ी दोस्तों को जानता हूँ जो टोटल पार्कों में इस टाइम काम कर रहे हैं, देवर सिविल इंजीनियर्स। तो आप अगर मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड सेलेक्ट करते हैं एज कम्पेयर टू पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, तो मैं कहूँगा ये आपका अच्छा डिसीजन होगा। क्योंकि अगर आपको जॉब नहीं मिलती खुदा ना खास्ता, तो आपके लिए आगे एक्सेल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग की या किसी और फील्ड्स की आपके पास जो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग से रिलेटेड है उनकी आपके पास डिग्री है, तो आप पेट्रोलियम के अंदर भी जा सकते हैं और अपनी फील्ड के अंदर भी आप एक्सेल कर सकते हैं। देन ये एक लिंक मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे आप जाके ये देख सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी कौन से कोर्सेज हमारी पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज कौन से ऑफर करवाती हैं, ये मैं आपको साथ शेयर करता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ ये देखना कि केमिकल इंजीनियरिंग पाकिस्तान में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही हैं, तो ये आप यहाँ से देखेंगे, इस टाइम 29 यूनिवर्सिटीज जो हैं वो पाकिस्तान में केमिकल इंजीनियरिंग ऑफर करवा रही हैं, तो ये पूरी आपको लिस्ट मिल जाएगी यहाँ पे। उसके बाद फिर मैं देखना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वो लेट्स सपोज मैं रहता हूँ अटक में रहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं घर के करीब ही जो है वो यूनिवर्सिटी देखूँ, तो ये एक यूनिवर्सिटी मुझे मिली कॉमसेट यूनिवर्सिटी। अब ये कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस टाइम मेरे साथ एक दोस्त है यहाँ से पीएचडी कर रहे हैं, वो इसी यूनिवर्सिटी से इसी कैंपस से उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है। उसके बाद आप लेट्स सपोज देखना चाह रहे हैं पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम में हम देख लेते हैं कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज ये कोर्स ऑफर करवा रही हैं, तो ये है NED इस टाइम। उसके अलावा आप सिविल में आ जाएं, सिविल में देख लेते हैं, सिविल में 69 यूनिवर्सिटीज हैं अराउंड, तो ये एक आपको अच्छी लिस्ट मिल जाती है। जब हम जिस टाइम मैंने अप्लाई किया था, बिलीव मी हमें गाइड करने वाले इतने ज़्यादा लोग नहीं थे, और मैंने या तो नस में अप्लाई किया था सिविल में, UET टेक्सला में किया था, लाहौर में किया था और बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में मैंने किया था, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था उस टाइम कि भाई इतनी ज़्यादा और यूनिवर्सिटीज़ भी ये कोर्स ऑफर करवाती हैं। लकीली मेरे UET में भी नाम आ गया और नस में भी आ गया, तो ऑब्वियसली बात है फिर मैंने टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट किया कि पहले मैं वहीं पर ही जाने को मैंने प्रेफरेंस दी। लेकिन यह है कि अगर खुदा ना खास्ता आपका उन यूनिवर्सिटीज़ में नाम नहीं भी आता, कि मतलब हर स्टूडेंट यही चाहता है कि यार मैं टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज से डिग्री लूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप मतलब अराउंड 7,000 सीट्स हैं नस्ट में, तो 7,000 स्टूडेंट्स तो हमारे पाकिस्तान में अप्लाई नहीं करते। अराउंड जब मेरी बारी अप्लाई किया था तो 50,000 स्टूडेंट्स थे जिनमें 7,000 स्टूडेंट्स उन्होंने सेलेक्ट किए थे इन ऑल द फील्ड्स। तो अब बाकी जो 43,000 स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं एडमिशन तो लेना था, तो अब मेरे पास उस टाइम ये लिस्ट नहीं थी, क्योंकि मेरी एक खास सोच थी कि मैंने जाना ही सिविल इंजीनियरिंग में, एक मैं प्लान बनाया था अपनी लाइफ का, तो अब मेरे पास और ऑप्शन नहीं थी, या तो नस्ट में होगा या UET में होगा, अगर नहीं हुआ खुदा ना खास्ता तो बस फिर मैं तो कुछ और फील्ड चुनूंगा, और मुझे किसी और फील्ड का आइडिया नहीं था। तो ये एक आपके पास एक अच्छा एक लिंक है, आप इसको यूज कर सकते हैं व्हाइल प्लानिंग योर एडमिशन। उसके बाद ये आखिर में एक मेरी राय है तमाम प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए, कोई लोग मेरे से इख्तलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन तीन चीजें आप जब एडमिशन लेने जाएंगे तो अपने जहन में तीन चीजें रखेंगे। एक है आपका इंटरेस्ट, मैं फिजिक्स से रिलेटेड मुझे फोर्सेस
कैलकुलेट करने में बड़ा मजा आता है, मुझे मोमेंटम को कैलकुलेट करने में बड़ा मजा आता है, फोर्सेस के लिए आप कहेंगे यार चलो कोई स्ट्रक्चर एनालिसिस का देखते हैं, वो सिविल इंजीनियरिंग आ गई, मोमेंटम की तरफ जाएंगे आप तो कहेंगे यार मैकेनिकल की बड़ी अच्छी फील्ड है, मोमेंटम उसमें आता है, तो हम उस लिहाज से इंटरेस्ट के वाले से आप फील्ड सेलेक्ट करेंगे, जिसका केमिकल में है वो केमिकल की तरफ जाएगा, मेटीरियल्स की तरफ जाएगा, मेटलर्जी की तरफ जाएगा। तो एक तो आपका सबसे आता है पहले इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को मैंने 5 स्टार्स दिए हैं कि हाँ इंटरेस्ट सबसे मेन चीज़ है, इंटरेस्ट होगा तो आप अपनी फील्ड में एक्सेल करेंगे, वो फील्ड बेशक बिलीव मी अगर वो सिंपल बैचलर ऑफ आर्ट्स है अगर खास और आपका इंटरेस्ट है उसके अंदर, कोई उर्दू के अदब के अंदर भी कोई जिसका इंटरेस्ट हो और वो डेडिकेशन के साथ कंसंट्रेशन के साथ उर्दू के अंदर अगर वो मेहनत करना शुरू करे तो वो एक अपना नाम बना लेगा। इसी तरह बाकी फील्ड भी हैं, ये नहीं होता कि आपने एडमिशन लिया, एडमिशन लेने के बाद आप सो जाएं घर बैठ के और आप 4 साल के बाद आप आंख खोलेंगे तो आपको डिग्री मिल जाएगी, कभी ऐसा नहीं होता। और डिग्री अगर मिल भी जाए और आपका जीपीए एक अच्छा जीपीए ना हो जो मार्केट में रिक्वायर्ड है तो आप फिर हमेशा एक एवरेज ही बिलो एवरेज रहते हैं, वो फिर आप जिंदगी में डालम डोल जिसे कहते हैं कि ऊपर नीचे ही होते रहते हैं, कभी भी आपका ग्राफ इस तरह ऊपर नहीं जाता, वो कभी नीचे कभी ऊपर कभी वो कभी वो इस तरह चलता रहता है। तो इंटरेस्ट बेसिकली आज आपको गाइड करेगा कि आपने कौन सी फील्ड सेलेक्ट करनी है, आपने एग्रीकल्चर की तरफ जाना है, आपने माइनिंग की तरफ जाना है, आपने पेट्रोलियम की तरफ जाना है, आपने सिविल की तरफ जाना है, वो बेसिकली आपका इंटरेस्ट है कि आपका आप कंप्यूटर साइंस के अंदर काम करना चाहते हैं, लेट्स सपोज आप गेमिंग के अंदर बहुत अच्छे हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में चले जाएं, आपकी गेम्स भी होते रहेंगे, आपके आप गेम्स भी डेवलप कीजिएगा अपने वहां पे बैठ के, और आप क्योंकि इंटरेस्ट है आपका, ठीक है, तो आपका जो जॉब है वो आपकी गेम है, लाइक दिस वन दिस थिंग। तो इस तरह फिर अपने इंटरेस्ट को देखें कि आपका इंटरेस्ट क्या है, उसके बाद फिर है जॉब अपॉर्चुनिटीज। हम लोग बेसिकली हमारे पाकिस्तान में एक रिवाज है कि हम ज़्यादातर फील्ड वो सिलेक्ट करते हैं कि हम देखते हैं यार फलां आदमी ने फलां फील्ड सिलेक्ट की, उसने डिप्लोमा किया या उसने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की, वो आज इतनी सैलरी ले रहा है, इतनी सैलरी ले रहा है, इतनी सैलरी ले रहा है। एक तो पहली बात रिस्क का जो है वो जो तकसीम है वो अल्लाह पाक की तरफ से होती है, उसमें इस तरह का कोई रोल नहीं होता कि यार वो उसने फील्ड ये की तो वो, हाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज हमें देखनी पड़ती हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज किस में ज़्यादा हैं। सैलरी सैलरी को मैंने एक स्टार्ट दिया, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ ना उसने वो फील्ड सेलेक्ट की तो बड़ा वो उसको उसने फील्ड सेलेक्ट की, उसने डिप्लोमा किया सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग में, वो डिप्लोमा करने वाला आदमी इतनी मेहनत करता था, इतनी मेहनत करता था, किताबों में अंडरस्टैंडिंग उसके पास वसाइल नहीं थे वो बैचलर की डिग्री कर सके, वो आज बैचलर वाले से ज़्यादा सैलरी ले रहा हो, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। हमारे साथ कंसल्टेंसी में लोग थे, दे वर ओनली डीएई, डिप्लोमा किया था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और कई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से ज़्यादा अच्छी सैलरी ले रहे थे और डिज़ाइन कर रहे थे वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स। तो ये आपके बेसिकली इंटरेस्ट की बात है, आप इंटरेस्ट जितनी मेहनत करेंगे अल्लाह पाक आपको उतना सिला देगा रोजी के अंदर के आपके रिस्क में भी। तो उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको देखनी है कि डिमांड क्या है, अगर पाकिस्तान में डिमांड माइनिंग की है तो आप माइनिंग की तरफ जाए, आप देखेंगे 3 फील्ड मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिकल सिविल और मैकेनिकल, ये हमेशा टॉप पर रहती हैं, लेकिन अगर आपको सिविल में एडमिशन नहीं मिलता, मैकेनिकल में नहीं मिलता, इलेक्ट्रिकल में नहीं मिलता, नो वरीज आप नेक्स्ट में आ जाएं, आपके पास और बहुत अच्छी फील्ड्स हैं, लेट्स सपोज आपके पास है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर में अगर आप जाते हैं तो आप और डेडिकेशन के साथ काम करते हैं तो आप बहुत अच्छा उसमें एक्सेल कर सकते हैं और बहुत अच्छी सैलरी आप ले सकते हैं। उसके बाद फिर आप आ जाए मटेरियल्स की, जिस तरह की बात की हमने, मटेरियल्स है, फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, फिर इन्वायरमेंटल भी इंजीनियरिंग, उसके ऊपर भी काम हो रहा है, जिस तरह पंजाब में पिछले साल भी काफ़ी स्मोक रही थी। तो ये इस तरह आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ से आप देख सकते हैं। तो आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को 3 स्टार दें जब भी आप फील्ड सेलेक्ट करें।
अच्छा उसके बाद फोर्थ है एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज। अच्छा मैं अब आपको ये देखेंगे कि ये शायद आपने इतनी ना सुनी होगी यार, एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं, जो प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, जो बैचलर के हैं वो जानते होंगे, लेकिन प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को इतना आइडिया नहीं होगा कि एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। बेसिकली अब मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, मैंने स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के अंदर स्पेशलाइजेशन की, और उसके बाद मैंने 2 से 3 साल एक्सपीरियंस गेन किया। उसके बाद एक दिन जिसने मैंने आपको बताया, मैं कंपनी में था और वहाँ डाउन साइजिंग हो गई। अब मैंने चूंकि स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का उसके ऊपर मेरी ग्रिप थी, स्पेशलाइजेशन की हुई थी मैंने स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में, और स्ट्रक्चरल डिज़ाइन का मुझे आइडिया था, तो सिविल के अंदर स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर, जियो टेक्निकल डिज़ाइनर, ये ऐसी फील्ड हैं जो घर बैठ के भी एक सिर्फ उनको लैपटॉप चाहिए और लैपटॉप पे बैठ के सारा स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर सकती हैं। तो आप ऐसी फील्ड चुनें जिसमें आपके पास अपॉर्चुनिटी हो कि अगर खुदा न खास्ता आप अनएम्प्लॉयड हो गए, आप कैसे सरवाइव करेंगे। आप फ्रीलांसर के तौर पे घर बैठ के काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जिस समय आपको अपनी मिसाल दे रहा था कि मैं जब अनएम्प्लॉयमेंट देखी हमने, तो उसमें मैंने खुद प्रोजेक्ट्स उठाए मार्केट से और फिर घर बैठ के मैंने 6 महीने वो स्ट्रक्चर डिज़ाइन किए और मैंने वो 6 महीने सर्वाइव किया। तो उसमें क्या होता है कि जिन फील्ड्स के अंदर आपको एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज मिले, आई वुड प्रेफर कि आप वो फील्ड देखें, रादर कि आप ये देखें कि जी इस टाइम मेरा फलां रिश्तेदार है, वो उसने केमिकल इंजीनियरिंग किया है और वो डायरेक्टर बैठा हुआ है या इस पोस्ट से बैठा हुआ है। तो आप खुद देखें कि आप एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज किस फील्ड में किस फील्ड में आप ढूंढ सकते हैं। हो सकता है वही आपके लिए मरीन इंजीनियरिंग भी हो सकती है, अगर आपका कि कल को रिलेशंस बन जाते हैं सी पैक में आपकी ट्रेडिंग के साथ और सारे उसमें। उसके अलावा आप फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं, आप मैकेनिकल में भी ढूंढ सकते हैं, सिविल में तो मैंने आपको एक मिसाल दे दी अपनी। तो इस तरह आप एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज ढूंढें और फिर आप अपना करियर प्लान करें इन 4 चीज़ों को सामने रख के। थैंक यू फॉर जी तला भाई जी, थैंक यू सो मच कासिम भाई। हम लोग फटाफट से जो है ना, क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है, तो क्वेश्चंस पर आते हैं। सबसे ज़्यादा मेन क्वेश्चन हमारा है एक भाई का, वो कह रहे हैं कि जी मेरे 800 टू 850 मार्क्स हैं और उनका जो इंटरेस्ट है वो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग में है, मतलब जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग है, तो वो कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन कौन सी फील्ड या कौन सी एक स्पेसिफिक फील्ड जो है वो सूटेबल होगी विद दीज मार्क्स। 800 800 800 I guess 800 हाँ तो मैन्युफैक्चरिंग में आपके ये मैकेनिकल में उस्मान भाई मैं गाइड कर सकते हैं मैकेनिकल में काफी लोग मैन्युफैक्चरिंग में तरह जाते हैं जी बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग हमारे नस में प्रॉपर एक फील्ड है नस में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन मैन्युफैक्चरिंग ये एसएमएमई है स्कूल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग समथिंग लाइक दैट, वो करवाते हैं। तो 850 800 मार्क्स तो उनके ठीक हैं, अच्छे हैं, लेकिन अगर वो फर्दर वर्क करें अपना उसके ऊपर एंट्री टेस्ट के ऊपर ई कैट का, जैसे आप लोग आगे बताएंगे स्टूडेंट्स को, तो उसमें वो उसको कंपनसेट कर सकते हैं और देन उनको मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एडमिशन मिल सकता है इवन नस्ट के अंदर भी। सही हो गया, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि जो नस्ट में कोई जिन स्टूडेंट्स के पास एक्सपेंसेस नहीं है, मतलब नस्ट की जो फीस एक्सपेंडिचर्स हैं या जो एक्सपेंसेस हैं, अगर उनके पास वो एक्सपेंसेस नहीं है, तो उनके लिए नस्ट इस्लामाबाद क्या ऑप्शंस लेती है। अच्छा, नस्ट में मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी होता है, अगर आप लेट्स सपोज फर्स्ट सेमेस्टर से अच्छा अपना 3.5 CGPA रखना शुरू कर दें तो मेंटेन तो आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिलता है 50%।
ट्यूशन फीस सॉरी 50% ट्यूशन फीस आपको जो है वो मिल जाती है फर्स्ट सेमेस्टर के बाद। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर से पहले आप नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास सोर्सेज नहीं हैं तो उसमें उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, तो कोई इतना मुश्किल नहीं है, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मेरे साथ काफ़ी दो तीन स्टूडेंट्स थे जो हमारी क्लास के थे जी। तो उन्होंने नीड बेस्ड स्कॉलरशिप दिया हुआ था, तो कोई ऐसा मसला नहीं है, आप अप्लाई करें तो इंशाल्लाह जाएगा, मैं चाहता हूँ। जी ठीक हो गया कासिम भाई, यही थे क्वेश्चंस एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच, बहुत ही इंफॉर्मेटिव। सॉरी लेकिन एक्चुअली मेरी थोड़ी तबीयत से डाउन थी, आपको पता लग रहा होगा, तो यहाँ पे एक्चुअली ठंड हुई हुई है, आपका गर्मी है वहाँ पे उस तरफ और इक्वेटर के इस तरफ जो है वो सर्दी है, तो फ्लू हुआ था मुझे पूरे दिन से, और मैं प्लान कर रहा था कि यार मैं कहूं कि भाई मुझे किस तरह जो है ना वो जान छूट जाए मेरी, पहले भी एक मरतबा हो चुकी है इस तरह बात, तो मैंने कहा कि आप दिल में ना ले लें, तो थैंक यू सो मच, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम आप जब भी हमें आएंगे तो हम इंशाल्लाह हाजिर हैं आपके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा ना अब हम नेक्स्ट स्पीकर की तरफ आएंगे, उनका थोड़ा सा मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन जरूर दूंगा। हमारे साथ इंजीनियर उस्मान असगर हैं और बाय प्रोफेशन ही इज बेसिकली सर्विंग एज कोरोजन इंजीनियर, और उनके पास बहुत ही डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस है डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज का, स्पेशली इन गल्फ एंड पाकिस्तान बोथ, ऑल्सो इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, और करेंटली ही इज इन द गल्फ सर्विंग इन गल्फ एज अ कोरोजन इंजीनियर, और उनका कैरियर काउंसलिंग और आप कह लें कि जो लाइफ कोचिंग के हवाले से भी ही हैज बीन स्पीकिंग टू सो मेनी स्टूडेंट्स एंड इन सो मेनी फोरम्स। तो उस्मान भाई थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया, तो हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, वी हैव शॉर्टेज ऑफ टाइम, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी वो स्क्रीन शेयर कर लीजिएगा पहले प्रेजेंटेशन के लिए। जी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, इट्स अ प्लेजर लिसनिंग एंड प्लेजर लिसनिंग टू मिस्टर कासिम, इंजीनियर कासिम। सो कासिम भाई ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है बहुत सी चीजों को। तला कैन यू सी माय स्क्रीन, आई हैव शेयर्ड इट ऑलरेडी। नॉट येट। हमारे पास में कौन कौन सी चीजें हैं जो आप कहें कि मार्केट में रनिंग आइटम्स है इंजीनियरिंग फील्ड के हवाले से, तो वो उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल और ये जो चीजें हैं इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स भी, तो ये एक रनिंग आइटम्स है मोस्टली। हमारी ट्राई या स्टूडेंट्स की ट्राई यही होनी चाहिए कि इफ ही डोंट हैव और ही और शी डोंट हैव अ स्पेसिफिक इंटरेस्ट, कि उनके माइंड में कोई बैक एंड पे कोई स्पेसिफिक इंटरेस्ट नहीं है, तो इनको इन फोर या फाइव जो स्पेशल फील्ड्स हैं इनकी तरफ में जाना चाहिए। अब ये सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में हमारे पास जो क्यूमुलेटिवली अगर हम पूरे पाकिस्तान की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज को देखें तो सीट्स हैं अवेलेबल रहती हैं, लेकिन अगर किसी का इन पे भी मैरिट नहीं बन पाता तो वी हैव अ लिस्ट ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज व्हिच अ स्टूडेंट कैन एक्सप्लोर, और ये कभी भी कंपैरिजन जो है हम एज अ स्टूडेंट जो है वो नहीं कर सकते कि कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है या कौन सी यूनिवर्सिटी बुरी है, मुझे इस प्रोविंस में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आपको अपने आप को ओपन रखना चाहिए चीज़ों के हवाले से, जैसे कासिम भाई ने फरमाया, तो हमारे पास में फोर या फाइव पैरामीटर्स होते हैं बेसिकली जिनमें से हमें चूज करना होता है कि जैसे हमारी मैथमेटिकल मॉडलिंग या कैलकुलेशन अच्छी है, हम किस लोकेशन पे रहना चाहते हैं ड्यूरिंग हमारी इंजीनियरिंग, और हमारी सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या है, इस तरह हमारी जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो हमारे पास में क्या है, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमें एक अपना लाइन ऑफ एक्शन जो है वो बनाना होता है। तो उसमें सिर्फ अपनी लिस्ट में आप जब लिस्ट बना रहे हैं और कैटेगराइज कर रहे हैं अपनी फील्ड्स को और अपनी यूनिवर्सिटीज को जिनमें आपने जाना है, तो आई विल जस्ट सजेस्ट इफ यू आर जस्ट लाइन डाउन ऑन द नंबर साइड, तो आपको अपनी लिस्ट में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को भी शामिल करना चाहिए। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आर
also serving very good and they have उनमें भी scholarships का अच्छा एक network रहता है और हमें उनको नस्ट या किसी और बड़ी यूनिवर्सिटी के अलावा दूसरी कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अब इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स ऑफर कर रही हैं और पीईसी एक्रेडिटेड है. सो यू कैन जस्ट गो टू सिंपली पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल वेबसाइट और वहां जाके आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो पीएससी से अफिलिएटेड है और उनके कौन कौन से कोर्सेज अफिलिएटेड हैं. इवन देन इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड सो यू कैन कॉल द यूनिवर्सिटी डायरेक्टली और आप उनसे चेक कर सकते हैं. इसके अलावा यूनिवर्सिटी के प्रॉस्पेक्टस और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जो है दे विल गाइड यू थ्रू कि उनके पास में फैकल्टी क्या है, वो कौन से प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं और वो किन किन फील्ड्स में रिसर्च जो है वो करवा रहे हैं. तो ये सब चीज़ें आपको एक प्लस देंगी ऑन द पाथ ऑफ योर इंजीनियरिंग फील्ड कि आपने कौन सी फील्ड जो है वो चूज करनी है. मुझे कासिम भाई ने कहा मेटलर्जी मटीरियल्स और पेट्रोलियम के हवाले से, तो मेटलर्जी एंड मटीरियल जो है वो पाकिस्तान में बहुत कम ऑफर हो रही हैं. जब हम एंटर हुए थे बैक इन 2007 तो सिर्फ 5-6 यूनिवर्सिटीज थी जो ऑफर कर रही थी बैचलर लेवल पे बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग जो है. उसमें पंजाब यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर यूटी लाहौर थी. इसके अलावा हमारे पास में एनईडी नेशनल डिंचा यूनिवर्सिटी जो एनईडी यूनिवर्सिटी है कराची में, दाऊद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो है कराची में वो ऑफर कर रहा था और मेहरान यूनिवर्सिटी जो है जामशोरों में वो ऑफर कर रही थी. तो अब जो है वो फील्ड काफ़ी नस्ट, पहले एमएस ऑफर कर रहा था तो नस्ट का स्कूल ऑफ केमिकल्स एंड मटेरियल इंजीनियरिंग जो एससीएमई है उसमें बैचलर डिग्री भी ऑफर कर रहा है. इसी तरह आईएसटी जो है वो भी ऑफर कर रही है. तो इसकी जो एप्लीकेशन है यूनिवर्सिटीज़ की ऑयल एंड गैस मेटलर्जी एंड मटीरियल इंजीनियरिंग की वो वेरियस फील्ड में है, लेकिन पार्टिकुलरली इन ऑयल एंड गैस सेक्टर और आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, क्योंकि इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स कि मेटलर्जी भी है और मटीरियल्स भी है, तो आप प्लास्टिक सिरामिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में भी जा सकते हैं इसको करने के बाद. और दूसरी पेट्रोलियम इंजीनियरिंग है. पेट्रोलियम इंजीनियरिंग जो है वो स्पेसिफिकली रिलेटेड है आपकी आपके जो ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन है उसके साथ में. सो ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके यहाँ जो ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन होती है उसके साथ में उन सारी कंपनीज के साथ में ये रिलेटेड है. तो देर आर लिस्ट ऑफ कंपनीज विद इन पाकिस्तान और आउटसाइड पाकिस्तान जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में काम करती है, बट इट्स काइंड ऑफ अ बम्पिंग थिंग. मोस्टली ये है कि ऑयल एंड गैस प्राइसेस में जब अप एंड डाउन फ्लक्चुएशन आती है तो ये ऑयल एंड पेट्रोलियम से रिलेटेड जितने लोग होते हैं वो सफ़र करते हैं और वेरी फर्स्ट यानी हिट कम्स टू देम कि जब वो फील्ड में काम कर रहे होते हैं पेट्रोलियम की प्राइसेस जो हैं वो फ्लक्चुएट करती हैं तो ये लोग सबसे पहले हिट होते हैं. तो इसलिए लेकिन ये गल्फ में और जैसे कासिम साहब ने बताया कि यूरोप ऑस्ट्रेलिया साइड पे भी वेस्टर्न साइड पे भी और दूसरा पाकिस्तान में भी इसकी मिनिमम एप्लीकेशन जो रहती है. अब आप ये देखिए कि आपने जब भी इंजीनियरिंग करनी है तो सबसे पहला तो अल्टीमेटली 99% या 90% आपने एक्सपीरियंस उसका जो है वो पाकिस्तान से ही लेना है. एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि आप जब इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आप अपना माइंड को ये भी बता दीजिए और अपने इंटरेस्ट के अंदर रहते हुए कि फॉलोइंग योर पैशन एंड योर इंटरेस्ट कि आपने इसी इंजीनियरिंग को व्हेन यू आर डन विद योर ग्रेजुएशन तो आपने मूव करना है जॉब की तरफ या आपने मूव करना है एकेडेमिया की तरफ, यानी यू विल बी स्टडिंग फर्दर और यू विल बी लैंडिंग इनटू अ जॉब. तो ये आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आसान कर देगा, क्योंकि अगर तो आपको एकेडेमिया में रहना है और आपने आगे अपनी फर्दर स्टडीज़ करनी है यू विल बी डूइंग योर मास्टर्स एंड देन पीएचडी, तो आपको बेहतर है कि आप डायरेक्टली इस काम को लेके चलते जाएं. ठीक है, तो आप ऐसी फील्ड को चूज़ करें जो जो उस वक्त की रिसर्च के, यानी आज अगर हम 2020 में हैं तो उस वक्त आज की जो फील्ड है उससे रिलेटेड आप जो है ना रिसर्च उसको चूज़ करें अपने फाइनल ईयर में भी और फिर उसे आगे लेके चले अपने मास्टर्स और अपने पीएचडी के लिए भी. और इसी तरह अगर आपने जॉब में जाना है तो स्पेंड योर फाइनल ईयर इन मेकिंग योर कनेक्शंस और स्पेसिफिकली ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप टाइम तो आपको अपने कनेक्शंस अच्छे करने हैं, स्ट्रॉन्ग करने हैं, अपनी नेटवर्किंग जो है उसको अच्छा बनाना है. क्योंकि नेटवर्किंग आपकी अच्छी हो जाएगी तो आपके लिए चूज करना और लोगों से कम्युनिकेट करना जो है वो बड़ा ईजी हो जाएगा. तो क्योंकि ये ग्रेजुएशन जो है ग्रेजुएशन इज पेविंग यू टू योर कैरियर, ये आपका कैरियर में आपको लाने के लिए ये टू बी वेरी ऑनेस्ट लास्ट स्टेप होता है
इसके बाद यू कैन स्टार्ट अवे राइट अवे यू कैन स्टार्ट योर कैरियर, लेकिन ये है कि आपको फिर भी देखना है कि आपके इंटरेस्ट क्या है, वेदर आप जॉब करना चाह रहे हैं और यू विल बी गोइंग टू एकेडमिया एंड फर्दर लर्निंग। तो ये पाकिस्तान में जो है वो एकेडमिया में भी आपको स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं आगे मास्टर्स के लिए भी और फिर पीएचडी के लिए भी, इंटरनेशनल, लोकल, एचईसी फंडेड, नॉन एचईसी फंडेड, तो यू हैव अ वाइड स्कोप इन एकेडमिया एज वेल। और इसी तरह जब आप मेन स्ट्रीम ऑफ इंजीनियरिंग को फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ हमारे पास जॉब्स की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी ज़्यादा होती हैं। इसी तरह जो मेन स्ट्रीम में नहीं है इंजीनियरिंग फील्ड, यानी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक्स या इनके अलावा, तो जो फील्ड्स मेन स्ट्रीम में नहीं है कंप्यूटर वगैरह के अलावा, उनकी अगर जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है तो उनकी रिलेटिवली प्रोडक्शन भी कम है। यानी अगर मेटलर्जिकल मटेरियल इंजीनियरिंग है या मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है या इस तरह आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग है, अगर वो बहुत कम जगह पे ऑफर हो रही है, यानी बहुत वेरी फ्यू नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज आर ऑफरिंग द कोर्सेज एट द बैचलर्स लेवल, तो उसमें क्या होगा कि उसी तरह उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी कम होगी। सो इट्स लाइक अ बार्गेन यू आर डूइंग। इफ यू आर एंटरिंग इनटू द मेन स्ट्रीम फील्ड तो आपको जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी कम मिलेंगी और इसी तरह आपके कंपिटिटर्स भी ज्यादा मिलेंगे। लेकिन अगर आप मेन स्ट्रीम इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं आ रहे हैं, दूसरी इंजीनियरिंग फील्ड में आ रहे हैं, तो आपको आपके कंपिटिटर्स भी मिलेंगे और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी रिलेटिवली कम मिलेंगी। दिस इज द बार्गेन यू नीड टू डिसाइड। तो इसी तरह इसको आप लेके आप देखें और अपने इंटरेस्ट इस तरह डेवलप करें। जो 4-5 क्राइटेरियाज कासिम भाई ने भी बताए हैं उनको भी देखें। और ये बहुत ज़रूरी होता है कि चूजिंग योर यूनिवर्सिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है ये बहुत मैटर करता है। कि यूनिवर्सिटी जाके आपने सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी होती, आपने प्रोफेशनली अपने कैरियर के लिए भी अपने आप को डेवलप करना होता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या चूज करते हैं। और मोस्टली यूनिवर्सिटीज जो है वो आपको ड्यूरिंग योर फर्स्ट ईयर और एट द बिगिनिंग ऑफ योर सेकंड ईयर आपको स्कॉलरशिप्स वगैरह वहाँ पे मिल जाते हैं ऑन द बेस ऑफ योर प्रोग्रेस, योर परसेंटेज, योर CGPAs। सो ये आपका एक बहुत अच्छा चांस होता है कि अगर आपको कोई ऐसी यूनिवर्सिटीज मिल जाती हैं जहाँ पे आप जाते हैं और आपको प्रोफेशनली अपने आप को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी, अपनी सॉफ्ट स्किल्स को भी डेवलप करते हैं। सो यू शुड बी लुकिंग इनटू दैट पार्ट आल्सो कि आप कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज चूज करें कि यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिलें अदर देन योर एकेडमी, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं उनको भी ग्रूम करने का, उनको बूस्टअप करने का आपको अपॉर्चुनिटीज मिलें, तो दैट विल बी अ प्लस फॉर योर कैरियर। बिकॉज टेक्निकल नॉलेज इज वन ऑफ द नॉलेज विच इज गोइंग टू पे यू, बट द सॉफ्ट स्किल्स एंड द यू नो इंटरपर्सनल स्किल्स आर द वन विच आर going to keep you going, actually to keep you going in your professional career। और ये जब आपके साथ में आप different वहाँ पे activities होती हैं उनमें participate करते हैं, different societies वगैरह को join करते हैं, तो आपके अंदर में ये चीज़ें build up होती हैं। और during engineering आपके जो है ना वो networking और connections जो है वो अच्छे develop हो जाते हैं। you travel to certain universities and certain places for different competitions as well। और इसमें जो चीज़ें और मैं ऐड करना चाहूँगा कि आप जो यूनिवर्सिटीज़ को जब चूज़ कर रहे हैं तो उसमें ये भी देखिए कि उनके एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। सो सम यूनिवर्सिटीज़ आर टेकिंग देयर ओन टेस्ट, जैसे NEST जो है वो अपना टेस्ट लेता है, प्यास जो है वो अपना टेस्ट लेता है, और इसी तरह दूसरी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपना एंट्री टेस्ट लेती हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ECAT लेती हैं जिसे सेंट्रली जो है वो होल्ड करती है UAT लाहौर, और इसी तरह कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो NTS नेशनल टेस्टिंग सर्विसेज के जरिए NAT1E या इस तरह के जो टेस्ट हैं वो एक्सेप्ट करती हैं। तो आपको ये चीज़ें भी देखनी ज़रूरी हैं, अभी कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आप चूज़ कर रहे हैं तो उनमें एंट्री टेस्ट रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो क्या हैं, एंड आर यू फुलफिलिंग द मिनिमम क्राइटेरिया। सो इफ़ यू जस्ट वॉन्ट टू चेक के आर यू फुलफिलिंग द मिनिमम क्राइटेरिया, तो उसमें क्या है कि आपको चेक करना चाहिए कि आप उनका लास्ट ईयर का मेरिट्स देखें। सो यू कैन मे बी दिस डाटा इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट ऑन द वेबसाइट्स ऑफ द स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज, और यू कैन जस्ट गो थ्रू डिफरेंट पीपल जो वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं उनसे लास्ट ईयर की मेरिट्स, या यूनिवर्सिटीज़ के सिंपल विजिट से भी आपको लास्ट ईयर की मेरिट लिस्ट जो है वहाँ पे नोटिस बोर्ड वगैरह या कहीं पे आपको मिल जाती है। लेकिन अब वी आर लिविंग इन अ एरा ऑफ IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सो वी कैन फाइंड मेनी ऑफ द थिंग्स ओवर द इंटरनेट। आप इंटरनेट पे गूगल पे थोड़ा सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। सो उससे भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि वेयर आई एम लैंडिंग एक्चुअली, और वेयर आई एम सूटेड, और वेयर आई विल बी प्लेस्ड इन द फ्यूचर। तो
तो आप लास्ट ईयर मेरिट्स को लाजमी देखें, जो लास्ट ईयर मेरिट्स हैं वो आपको अच्छे तरीके से गाइड करेंगे इस हवाले से कि आपने कौन सी जो है वो फील्ड जो है वो चूज़ करनी है और कौन सी इंजीनियरिंग आपने फील्ड चूज़ करनी है और फिर कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप एप्लीकेबल होते हैं। लेकिन अप्लाई योर मैक्सिमम, यानी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं आपके प्लस माइनस क्राइटेरिया में आती हैं तो उनमें अप्लाई ज़रूर करें। एंड द बेसिक थिंग व्हाट आई टोल्ड इज़ एंट्री टेस्ट रिक्वायरमेंट ज़रूर चेक करें और उनके लिए प्रिपरेशन जो है वो टाइमली स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये वो स्पेसिफिक स्केड्यूल पे होते हैं। इट्स नॉट लाइक कि आप हर वक्त उनको दे सकते हैं, वो एंट्री टेस्ट ई कैट जो है वो एक स्पेसिफिक स्केड्यूल पे होता है और इसी तरह एन टी एस के जो टेस्ट हैं वो भी एक स्पेसिफिक स्केड्यूल पे होते हैं और इसी तरह जो है नेस्ट वगैरह या दूसरी यूनिवर्सिटी जो जे आई के वगैरह और प्यास हमारी जो है, तो वो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपना स्पेसिफिक टेस्ट जो लेती हैं उनकी भी एक स्पेसिफिक डेट्स होती हैं, तो उसके लिए भी आपको उसकी ट्रैकिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। सो आपने अपने फाइनल ईयर में, इस साल कोविड की वजह से सिचुएशंस थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन आपका जो फाइनल ईयर जब आप अपने बोर्ड के एग्जाम दे लेते हैं सो आपको अपना एंट्री टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है और यूनिवर्सिटीज़ की एंट्री टेस्ट रिक्वायरमेंट्स भी चेक करनी है। बाज़ूकात ये होता है कि आपके भी बोर्ड के एग्जाम्स नहीं हुए होते और कुछ यूनिवर्सिटीज़ का जो एंट्री टेस्ट है वो स्केड्यूल भी हो चुका होता है, सो यू नीड टू कीप ट्रैक ऑन द एंट्री टेस्ट एज वेल। और वो आपने अपने सेकेंड ईयर के, आप समझे कि व्हेन यू आर हाफ पास्ट विद योर सेकेंड ईयर तो आपने उसको स्टार्ट कर देना और अपना मैक्सिमम टाइम देना। ये जो एफएससी का सेकेंड ईयर है उसे शहरों में और इधर उधर एग्जाम देने के बाद और एग्जाम देने से पहले उसको स्पेंड नहीं करना है, उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज कीजिए। अपनी एक अच्छी जो है वो लिस्ट बनाइए, जोट डाउन कीजिए चीज़ों को, अपना एक अच्छा होमवर्क कीजिए, क्योंकि दिस इज़ द इंजीनियरिंग फील्ड विच इज़ टेकिंग अप टू योर कैरियर। और इंजीनियर जो हैं एक अपनी नॉर्मल लाइफ में उनकी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी उसी चीज़ पे होती है जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया होता है। सो आपकी फील्ड एंड दैट द नेक्स्ट स्टेप इज़ योर स्टार्ट, के आप कहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं। और इसमें इसके साथ साथ भी आपके जो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो आपके इंटरेस्ट डिवेलप होंगे, आप ये चेक करेंगे अपने डिपार्टमेंट में जब आप इंजीनियरिंग में चले जाएंगे, सो व्हाट आर द रनिंग फील्ड्स और करंट फील्ड्स क्या हैं, रिसर्च कैपेबिलिटीज़ क्या हैं विद इन योर डिपार्टमेंट, विद इन योर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी और विद इन योर एकेडेमिया, उसमें आपके क्या क्या फील्ड्स ऑफ इंटरेस्ट हैं जिनको आप लेके चल सकते हैं, क्या क्या अप्रेटिस अवेलेबल है, मशीनरी अवेलेबल है, और अपने आप को उसके हवाले से भी आपने अपडेट करना है व्हेन यू लैंड इन द इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। इसके अलावा अपने कंपटीटर्स का आपने ज़रूर ट्रैक करना है, क्या आप जो यूनिवर्सिटीज़ जो आप चूज़ कर रहे हैं उसमें आपने अपने कंपटीटर्स का ज़रूर ट्रैक करना है और आपका जो है हम क्या कहते हैं उसे प्लान टू और जो बैकअप प्लान है वो भी जो है वो ज़रूरी होना चाहिए। आप एट अ टाइम सिर्फ एक यूनिवर्सिटी या दो यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई ना करें, आप ट्राई करें कि आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में 4-5 यूनिवर्सिटीज़ में एटलीस्ट अप्लाई करें विद इन सर्टन योर कैलकुलेशन, जहाँ पे आपको मालूम हो विद इन अ प्लस एंड माइनस आई विल लैंड इन द दैट स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़, तो सिर्फ एक या दो यूनिवर्सिटीज़ पर डिपेंडेंट होकर ना रहें। और इसी तरह एंट्री टेस्ट रिक्वायरमेंट जो है वो भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की फुलफिल करें विद द पैसेज ऑफ टाइम। इसके अलावा मैं जो कहना चाहूँगा कि अपने जो आपकी एकेडेमिया और जॉब ओरिएंटेड जो नेचर है इसको भी आप ज़रूर डिफाइन कीजिएगा, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आपने इसके बाद में जॉब में जाना है या आपने अपनी स्टडीज़ को फर्दर परस्यू करना है। और एक इंटरेस्ट एक ऐसी चीज़ है, कासिम भाई ने भी इस पर बात की है, इंटरेस्ट इज़ नॉट लाइक समथिंग विच इज़ वन टाइम इन लाइफ, ओके, इंटरेस्ट चेंजेस विद लाइफ, एक्चुअली इट इज़ डिपेंडेंट ऑन योर विजन। आपको जितना जितना लाइफ के साथ में विजन एक्सपेंड होता जाता है आपका इंटरेस्ट भी उसी तरह वाइडन और स्प्रेड होता जाता है। सो जो बड़े लोग हैं वो ये कहते हैं कि यू हैव टू चॉइसेस इन लाइफ, आइदर यू फॉलो योर इंटरेस्ट और यू डेवलप योर इंटरेस्ट व्हाट एवर यू हैव गॉट। सो इट्स नॉट लाइक अ शेम गेम के इफ यू लैंड इन सम यूनिवर्सिटी व्हिच यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग और यू लैंड इन सम इंजीनियरिंग फील्ड व्हिच यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग। सो इंजीनियरिंग स्पेशली इंजीनियरिंग फील्ड इज़ नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड कि आप उसको नहीं वहाँ लैंड कर सके तो वो दुनिया ख़त्म हो गई आपकी, लेकिन आपने उसमें जब आप चले जाएँ तो फिर भी आपने उसमें अपना इंटरेस्ट डिवेलप करना है, बिकॉज पहले वो आपके इंटरेस्ट में नहीं थी एंड यू डोंट नो द प्लसेज ऑफ दैट फील्ड और द माइनसेज और द नेगेटिव ऑफ दैट फील्ड, लेकिन वंस यू लैंड इन यू विल नो अल्टीमेटली वॉट आर द फील्ड यू कैन एक्सप्लोर बींग इन दैट फील्ड विच यू डिडेंट फॉलो इन द बिगनिंग। सो अपने इंटरेस्ट को जो है वो आपने अच्छी तरीके से डिवेलप करना है, बिकॉज इफ़ यू विल स्टडी विदाउट एन इंटरेस्ट
that will land in a failure, to be very sorry to say. But if you don't develop interest, then you will land in a failure, okay? And you will collapse psychologically. So ये बहुत ज़रूरी है कि अपना जो है interest आप develop करें और interest को लेके चलें. अगर आपको आपके interest की field मिल गई है, बहुत अच्छी बात है. अगर आपको अपने interest की जो field है वो नहीं मिली है, तो do not be sad. Just develop with the passage of time. Counsel yourself or develop your interest then that in that specific field which you have landed in, और आप उसको आगे pursue करें. और मोस्ट ऑफ द फील्ड जब आप चूज करते हैं, उसमें एक क्राइटेरिया में मेंशन करना भूल गया हूँ कि हमारे पास में इंजीनियरिंग की जो फील्ड्स हैं, इनमें कुछ फील्ड्स ऐसी हैं विच आर सर्विंग ऑल द फील्ड्स, यानी उनकी हर जगह ज़रूरत रहती है. कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जैसे मैंने आपको कहा, मैकेनिकल है, मैनुफैक्चरिंग है, सिविल है, इनकी हर फील्ड के साथ इंटरकनेक्शन है. सो इफ यू विल चूज ऑन द बेसिस ऑफ योर इफ यू चूज योर इंजीनियरिंग फील्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस certain criteria of serving all the fields, it will be better also, you know, it will be better also because interconnecting the fields hoti hain, unki demand smoothly jo hai wo you can absorb in the that specific field. Because of the shortage of time, I'm not moving to the slides itself, so I'm just communicating to you with the points I have developed in some time. Isi tarah aapne apni demand and supply jo hai of your स्पेसिफिक इंजीनियरिंग फील्ड, उसका भी ट्रैक रखना है आपने. अब ये नहीं होगा कि आप जो है वो अपना जो भी आप फर्दर स्टडीज परस्यू करना चाह रहे हैं, जॉब परस्यू करना चाह रहे हैं, तो आप आखिरी साल में या इंजीनियरिंग डिग्री आपके हाथ में आ जाएगी तो उसके बाद आप सर्च करना शुरू करेंगे. आप विद ड्यूरिंग योर फर्स्ट ईयर आई विल सजेस्ट और सेकेंड ईयर एटलीस्ट आपने अपना जो है वो ये ट्रैक डिमांड एंड सप्लाई का जो है वो आपने बनाना शुरू कर देना है. और आपने उसमें देखना है कि जो मैं फील कर रहा हूँ इसमें क्या रिसर्चेज आ रही हैं, क्या अपडेट्स हैं, क्या आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, विच रिसर्च जर्नल्स आर पब्लिशिंग द स्पेसिफिक आर्टिकल्स. और उसी तरह अपनी जॉब्स का भी देखते रहना है कि हमारी जो जॉब्स हैं वो कहाँ कहाँ निकल रही हैं, और इस हवाले से अपडेट रहना है. क्योंकि आपने फिर इंटर्नशिप्स में जाना है और फील्ड एक्सपीरियंसिस भी लेने हैं, विच इज़ अ मस्ट, यू नो. इंटर्नशिप्स और फील्ड एक्सपीरियंस जो है दे गिव यू अलॉट इन ड्यूरिंग योर एकेडमी और योर 4 to 5 ईयर्स विच यू स्पेंड इन अ यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग योर इंजीनियरिंग कैरियर. इंटर्नशिप और आपका जो आपका फील्ड विजिट्स हैं, फील्ड एक्सपीरियंसेस हैं, दे मैटर अ लॉट. और इसी तरह जो यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया है, एंट्री टेस्ट रिक्वायरमेंट्स के बारे में बता दिया है, और कंपटीटर्स का मैंने आपको बताया है कि उनका आपने ट्रैक रखना है, इस तरह इंपॉर्टेंस ऑफ इंटर्नशिप्स का मैंने आपको बताया. और इसी तरह अपनी चॉइसिस जो हैं, इफ़ यू आर चूजिंग अ सर्टन फील्ड, सो डू अ फिजिबिलिटी ऑन दैट, यू नो. Other than the other 5 or 6 parameters I have told you, आपने अपनी एक feasibility बनानी है कि अगर आप एक certain field को choose कर रहे हैं तो उसकी reason क्या है, what are your basis of selection or what are your basis of the choice, okay? Is it just the interest or it is the market driven interest or this is a salary driven interest, what are your considerations or what are your basis to choose that field. ये आपको बहुत ज़रूरी है कि आप choose करें कि आपकी basis क्या है, so that things are clear for you, things are more black and white for you, rather than it's just an absurd idea ki aapke paas mein koi basis nahi hai aur aap usko jo hai apni field ko choose kar rahe hain. isi tarah aapko ye bhi dekhna hai ki aapne jo basis interest basis of selection jo aapne develop ki hai, inme aapka selection criteria aur basis dono hai wo aapas mein kya match kar rahi hai, ye bhi aapne zarur dekhna hai. और इसके अलावा हमारे पास में जो एक बहुत बहुत अजीब सा एक चीज़ रहती है वो हमारे स्टूडेंट्स में, दे ऑलवेज वांट टू बी इन द मीडियोकर लेवल और द लोअर कंट्रीब्यूशन लेवल. व्हेन दे लैंड इनटू यूनिवर्सिटीज तो वो सर्टेन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं जो ज़रूरी नहीं होती, अपने एकेडेमिया को साइड पर कर देते हैं. तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, यू नीड टू बी अ बैलेंस स्टूडेंट बिटवीन योर एकेडेमिया और आपकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनके दरमियान में आपको एक बैलेंस जो है वो लेके चलना है. और आपका जो लास्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो अभी से मैं आपको एडवाइस करूँगा कि उसके लिए प्रिपेयर रखें. वैसे तो आप अपने कैरियर में आपका जो 4 साल है यूनिवर्सिटी में, इट्स लाइक योर कैरियर, इट्स लाइक दिस थिंग इज द लेइंग फाउंडेशन फॉर योर कैरियर. सो आपने अपना वो जो साल है वो यूनिवर्सिटीज में अपना ऐसे नहीं गुजारने हैं कि जैसे लोग ज़ाया करते हैं.
you shouldn't be feeling bad about your those 4 years. These four or five years should be the most productive years of your life, because this is these 4 years are paving the way to your professional life, to your the life ahead. और आपकी पूरी जिंदगी जो है इन 4 सालों पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होने वाली है. इवन यू गो टू हायर स्टडीज और यू गो टू यूनिवर्सिटीज. अच्छा, इसके अलावा जो है हमारे पास में एक ये रहता है कि अगर हम स्पेसिफिक प्रोविंस में रह रहे हैं तो हम दूसरे प्रोविंस की यूनिवर्सिटीज में मोस्टली अप्लाई नहीं करते. सो ये भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि दूसरे प्रोविंसेज, आप सिंध में रह रहे हैं तो पंजाब की यूनिवर्सिटीज, पंजाब में रह रहे हैं तो सिंध की यूनिवर्सिटीज, इसी तरह बलोचिस्तान की हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और हमारे केपीके की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भी आप ज़रूर एक्सप्लोर करें, उनकी फील्ड्स भी देखें. बलोचिस्तान में भी बहुत सी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, सिंध में भी, पंजाब में भी एग्जिस्ट करती हैं और इसी तरह हमारे केपीके में भी करती हैं. तो अपने आप को लिमिट ना करें. इफ़ यू डोंट हैव अ प्रेफरेंस फॉर द लोकेशन, आपने घर के करीब नहीं रहना है या विद इन अ प्रोविंस नहीं रहना है, तो अपने जो दूसरे प्रोविंसेस हैं उनकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भी ज़रूर चूज़ करें. उनका सिलेक्शन एडमिशन क्राइटेरिया भी देखें और उनके अंदर जो है एक्सेल उनके अंदर भी अप्लाई कीजिए विद द पैसेज ऑफ टाइम. और उनकी एंट्री टेस्ट रिक्वायरमेंट्स भी मोर और लेस सिमिलर होती हैं जो आपकी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपके प्रोविंस की यूनिवर्सिटीज़ होंगी, तो उनमें भी ज़रूर अप्लाई करें. तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ फील्ड्स इन दोज यूनिवर्सिटीज़ आल्सो. सो I would like to wind up with these notes actually, and I wish if we can move to question answer session. What you suggest, Talha? जी बिल्कुल, we have some questions. I guess 2 to 3 questions हमारे पास हैं और वो इंशाल्लाह आप wind up करें तो उसके end पे हम entertain कर लेंगे. Okay, so I just want to focus on the point कि हमारे पास में बहुत हम ये जुल्म करते हैं कि हम एक इंजीनियरिंग फील्ड को चूज़ करना चाहते हैं लेकिन वो हमारे प्रोविंस में अगर अवेलेबल नहीं है तो उससे बाहर हम मूव नहीं करते. तो ये बहुत ज़रूरी है. लोग तो दूसरे मुल्कों से आके पाकिस्तान में पढ़ते हैं और पाकिस्तान से दूसरे मुल्कों में पढ़ने के लिए जाते हैं. सो हमें अगर एक स्पेसिफिक फील्ड को फॉलो करना है तो हमें दूसरे प्रोविंसेस में भी मूव करना चाहिए. जैसे मैंने कहा कि अगर आप कराची में रह रहे हैं तो पंजाब की तरफ, पंजाब में रह रहे हैं तो कराची की तरफ, या बलोचिस्तान या केपी की तरफ हमें मूव करना चाहिए और उनकी यूनिवर्सिटीज़ को एक्सप्लोर करना चाहिए और उनके यहाँ जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको भी देखना चाहिए. और देर आर नंबर ऑफ एक्रेडिटेड कोर्सेज अवेलेबल अराउंड पाकिस्तान. तो सिर्फ आपको एक प्रोविंस तक लिमिट होने की ज़रूरत नहीं है. एक स्पेसिफिक जो क्राइटेरिया आपने सिलेक्शन क्राइटेरिया जो बनाया है उस तक जो है वो लिमिट होने की ज़रूरत नहीं है. आपने ये चूज़ करना है कि आपकी फील्ड क्या है एंड देन यू विल कम अप विद अ नंबर ऑफ ऑप्शंस. इफ यू कीप ऑन नैरोइंग डाउन योर लिस्ट, आप अपनी जो लिस्ट है उसको नैरो डाउन करते रहेंगे तो यू विल लैंड इन और विद वेरी फ्यू चॉइसेस. तो अपनी चॉइसेस को बड़ा कीजिए, अपनी लिस्ट को बड़ा कीजिए. नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज जो हैं उनको देखिए कि वो बहुत ज़्यादा हैं और हमारे पाकिस्तान में अवेलेबल हैं. और आपने एक इंजीनियर बनना है और आपको इसमें डाउट्स नहीं होने चाहिए कि आपने कौन सी, आपके पास में चॉइसेस हैं. अपनी चॉइसेस को आप खुद एक्सपेंड कर सकते हैं, खुद ही नैरो कर सकते हैं. सो इफ़ यू स्टार्ट विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉइसेस सो यू विल लैंड इन सम फील्ड ऑफ योर इंटरेस्ट. और अगर आपकी चॉइसेस शुरू से लिमिटेड हो जाएंगी तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा किसी एक स्पेसिफिक जो है वो फील्ड में लैंड इन होना. और फिर हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि मुझे तो उसके यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट का पता नहीं चला, उसकी डेट गुजर गई, मैं अप्लाई नहीं कर सका, ये नहीं हो सका, वो नहीं हो सका. सो वी कम अक्रॉस मैनी एक्सक्यूजेज विच आर जस्ट लेम एक्चुअली. सो आपके पास टाइम है उसको यूटिलाइज कीजिए. आपके पास में इंटरनेट है, आपके पास में फ़ोन है, यू कैन स्क्रॉल अराउंड. और ये MSM के फोरम से, MSM इंजीनियरिंग काउंसिल के फोरम से एक बड़ी ज़बरदस्त जो है वो 3 days के ये सेशन अरेंज किए गए हैं फॉर द स्टूडेंट्स हु वांट टू गेट एडमिटेड इनटू द इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज और फॉर द प्रोफेशनल्स आल्सो वी हैव कैरिड आउट सर्टेन सेशंस प्रीवियसली. तो आप इससे भी कनेक्टेड रहें, MSM के ऑफिशियल पेजेस को, यूट्यूब चैनल्स को लाइक कीजिए और आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी. और अपने कंसर्न्स जो है वो आप हमारे तक MSM के थ्रू पहुँचा सकते हैं. आपके क्वेश्चंस I will specifically be happy and it will be a pleasure to answer your queries in any context. Or I will just like to thank MSM Engineering Council, MSM Pakistan for this great opportunity. It was a
pleasure speaking to you guys. And this recording also will be available on the YouTube, on the MSM official YouTube channel, official MSM official Facebook page also. Thank you very much. Thank you very much, Talha, and the MSM Engineering Council. Thank you so much, Usman bhai. Thank you so much. Pleasure listening to you also. अच्छा मैं फर्दर टाइम नहीं ज़ाया करेंगे, मैं सीधा क्वेश्चंस पर आऊँगा. हमारे पास तीन क्वेश्चंस हैं जो मैंने मेजर अभी फिल्टर किए हैं, बाकी जो थे वो रेलेवेंट थे. तो जो मेन हमारा जो आज का टॉपिक भी है और जिस मकसद के लिए ये सेशन भी है उससे रिलेटेड सिर्फ तीन क्वेश्चन हमारे सामने आए हैं. उसमें एक तो ये था कि जो मेजर डिफरेंस हमारे स्टूडेंट ने पूछा है कि मेजर डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो आजकल एक नई ब्रांच ऑफर होती है, तो उसमें मेजर डिफरेंस क्या है? एक्चुअली मैकेनिकल और मैकेट्रॉनिक्स जो है, हम मैकेट्रॉनिक्स को जैसे देखते हैं कि पाकिस्तान में नेस्ट भी ऑफर कर रही है, यूटी लाहौर भी है, और मेरे ख्याल एक दो और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऑफर कर रही हैं. इतना ज़्यादा ऑफरिंग नहीं है इसकी. इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ बोथ मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स जो मेरी नॉलेज में है. सो इनकी जॉब्स जो हैं वो जहाँ पे मैंने इन इंजीनियर्स को देखा है, दे आर मोस्टली इन टू ऑटोमेशन सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम्स. हमारे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, हमारा जो आप कहें कि जहाँ मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होती है, उनमें प्रोसेस ऑटोमेशन एंड कंट्रोल एक सेक्टर है जिसमें जो लोग कंट्रोल और ऑटोमेशन के लिए टाइम स्पेंड करते हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं. और जैसे हमारी एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में भी ये कंज्यूम होते हैं. इसके अलावा एलिवेटर इंडस्ट्री जो है, हमारी जो मैन लिफ्ट्स होती हैं या दूसरी इंडस्ट्रीज हैं, और इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन है, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग, वहाँ पे जो प्रोसेस कंट्रोल किया जाता है उसके अंदर इसकी एप्लीकेशन है काफ़ी ज़्यादा. लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई जस्ट इट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू, आई कम अक्रॉस अ वेरी फ्यू नंबर ऑफ जॉब्स नॉर्मली. लेकिन जॉब्स निकलती हैं, आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन देर आर जॉब्स. There are jobs for mechatronics engineering as well. And shortly, it is a combination of both mechanical and disciplines from the electrical and electronics also. Okay. Thank you. Achha, next question hai, wo ye hai, ye basically graduates se mutalliq zyada hai. उसमें ये है कि जो हमारे स्टूडेंट ने पूछा है कि जी, आई हैव फ्रेशली ग्रेजुएटेड फ्रॉम अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, और वो कह रहे हैं कि जी, जो इंडस्ट्रीज हैं, दे डोंट गिव जॉब्स विदाउट एक्सपीरियंसेस. मतलब हम जब भी जॉब्स के लिए जाते हैं, जॉब हंटिंग के लिए जाते हैं, तो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है. तो वो ये कह रहे हैं कि हम इस चीज को कैसे टैकल करें या इसका क्या अल्टरनेटिव है, एनीथिंग. इसका बड़ा अच्छा अल्टरनेटिव है. वो आपको जॉब इसलिए नहीं दे रहे कि उनको आपको पैसे देने पड़ेंगे या उनके पास में जॉब है नहीं. दो चीजें हो सकती है ना. तो अब आप पैसों के बगैर जॉब कर सकते हैं या आपको चूज करना है. आपको कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज मिल जाएंगी जो कहेंगे आपको, हम दोपहर का खाना देंगे बस. बिलीव मी दिस हैपेंस. आप जाएंगे एंड आई रिमेम्बर फ्रॉम माय इंजीनियरिंग, मैंने कोई अपनी सीवी की 300 और 350 कॉपीज जो है वो निकाली थी. मेरी तीन पेजों की सीवी थी जब मैं फ्रेश ग्रेजुएट था, और हम मोटरसाइकिल पे जो है वो राउंड करते थे इस्लामाबाद लाहौर में, और जगह जगह अपनी सीवीज जो है वो ड्रॉप करते थे. और हमने बिल्कुल ऐसे ही बार्गेन किया इनिशियली कंपनीज के साथ में. वो कहती थी हमारे पास में जॉब नहीं है, तो हम ये कहते थे कि यार हमें सिर्फ रख लो, खुद ही आ जाए करेंगे और खुद ही चले जाएंगे. तो ये बड़ा जरूरी है, आपने बार्गेन करना है. आपने उनका जो है वो उनके सर पे रहना है, उनको छोड़ना नहीं है सिंपली एक आंसर पे नहीं. और यू नीड टू कीप ऑल द डोर्स नॉकिंग. ये एक तो एक या दो कंपनीज नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है. आप लाहौर में चले जाएं, कराची चले जाएं, इस्लामाबाद चले जाएं. फॉर माई इंजीनियरिंग जॉब्स आई हैव मूव्ड टू ऑल द प्लेसेस, यू नो, विद इन द पाकिस्तान आल्सो. सो आपको जॉब मिल जाती है, लेकिन आपने ये अपना सैलरी क्राइटेरिया और दूसरी ऑप्शन जो है उनको चेक करना है. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं भी मिल रही तो आपने कितना वेट करना है. आप हायर स्टडीज की तरफ चले जाएं, वहां आपको कुछ स्कॉलरशिप बेस्ड कोर्स मिल जाएंगे. तो अपना टाइम ना जाया करें. टाइम इज मनी. हूएवर आस्क द क्वेश्चन, टाइम इज मनी, डू नॉट वेस्ट योर टाइम. आपने 6-4 महीने देख लिया तो बहुत है. आगे अपना दूसरा करियर प्लान बनाएं, मूव टू द अल्टरनेटिव. जी, इसके बाद में क्या क्वेश्चन चला जाएगा. ठीक, थैंक यू सो मच. अच्छा, और थर्ड क्वेश्चन है हमारा रिसर्च पब्लिकेशंस के हवाले से, कि अगर जो एफएससी के स्टूडेंट्स हैं अभी, उनका वैसे एडमिशन के हवाले से इतने नहीं आ रहे, वो कह रहे हैं कि जी, बैचलर्स में रिसर्च पब्लिकेशन का क्या स्कोप है पाकिस्तान में. पाकिस्तान में जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं मोस्टली, वहाँ पे कासिम भाई वुड हैव बीन बेटर टू आंसर दिस, लेकिन हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे पब्लिकेशन जो हैं वो
होती हैं। ये आपका मैंडेटरी क्राइटेरिया नहीं है, मास्टर्स में है जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, लेकिन बैचलर्स में ये मैंडेटरी क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन आपका फाइनल ईयर जो प्रोजेक्ट है उसमें से बहुत सारी आप पेपर जो है अपने सुपरवाइजर की हेल्प के साथ में आप निकाल सकते हैं, अपने रिसर्च पब्लिकेशन जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने फाइनल ईयर में। लेकिन ये थ्रू आउट भी अगर आप काम कर रहे हैं आप असिस्ट कर सकते हैं, आपके जो सीनियर स्टूडेंट्स होंगे उनको असिस्ट कर सकते हैं। जी, दिस इज ऑल फ्रॉम द क्वेश्चन आंसर सेशन। थैंक यू सो मच उस्मान भाई, कासिम भाई भी, उनको भी थैंक यू सो मच, बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह जो है अच्छा सेशन गुजर के, आई थिंक आई होप के स्टूडेंट्स के लिए, एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली जिनके लिए ये सेशन कंडक्ट हुआ था उनके लिए ये इन्फॉर्मेटिव रहा हो। मोर ओवर हमारा बिल्कुल ऐसा ये नहीं है कि सेशन के बाद हम कट ऑफ हो जाएंगे, हम इंशाल्लाह एमएसएम इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से एक हम रिप्रेजेंटेटिव्स या एम्बेसडर्स हम जरूर चूज करेंगे, विच विल बी 5 to 10 एम्बेसडर्स, और उनका लिंक जो है वो हमारी पाकिस्तान की सारी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के साथ होगा। तो इन फ्यूचर भी हम उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह अपने फेसबुक ऑफिशियल पेज पे और डिफरेंट ग्रुप्स में, तो वो इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट की स्टूडेंट्स के पास होगी आफ्टर दिस सेशन या एडमिशन के टाइम पे। एडमिशन के बाद जो स्टूडेंट्स हैं एफएससी के प्री इंजीनियरिंग के दे कैन कॉन्टैक्ट, और आपका एडमिशन के बाद भी जिस यूनिवर्सिटी में कोई भी क्यूरी है एडमिशन से रिलेटेड बिफोर एडमिशन तो वो आप पूछ सकते हैं। हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके पास आगे एक पूरा लॉट ऑफ स्टूडेंट्स होगा जो हमारी यूनिवर्सिटीज में पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट्स में जो हैं वो अंडर स्टडिंग है, अंडर ग्रेजुएशन है। तो थैंक यू सो मच अगेन उस्मान भाई, और इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट सेशन है वो कल होगा इंशाल्लाह 4 जुलाई को इसी टाइम पे 7:30 PM पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करेंगे, और वो होगा हमारा द प्रेपरेशन ऑफ ईकैट, और ईकैट के अलावा जो बाकी इंजीनियरिंग टेस्ट हैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के उनकी प्रेपरेशन के मुतालिक। तो वो हमारे एक स्टूडेंट ही हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं माशाल्लाह, उनके अपने मार्क्स बहुत अच्छे थे एनटी टेस्ट में, और वो हमें जो है वो गाइड करेंगे। तो थैंक यू सो मच, और हम साइन ऑफ करते हैं फिर इंशाल्लाह। ठीक है जी, फिर मौला सुने, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।